जो है अर्थव्यवस्था का ये मास्टर वीडियो है, और अर्थव्यवस्था आप लोगों के लिए आज एक ही क्लास में, कोशिश मेरा ये है कि बिल्कुल आसान कर दिया जाए, प्रयास मेरा ये था कि एक ही क्लास में बन जाए, लेकिन ये दूसरे पार्ट में भी जा रही है, तो इसका दूसरा पार्ट बाद में आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने कवर की है, पूरा सिलेबस पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस में चीज़ें क्या क्या हैं। जो जो सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पर प्रयास किया है, यूपीएससी का मेंस भी लिया है, पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक लिया है। आपको मेंस के भी बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अब आपका काम यह है कि लगभग 1-2 घंटे तक आराम से बैठे रहना है, मुझे सुनना है, ठीक है। और चूंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि यहाँ पे फैक्ट नॉलेज से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और आसान से आसान भाषा में करूँगा, जितना आसान मेरे से हो पाएगा उससे भी आसान करने का प्रयास करूँगा, तो आपको इजीली पूरा सिस्टम समझ में आएगा जितना भी इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो मुझे आराम से सुनना है, आपको कोई एक्टिविटी नहीं करना है, बाकी मेरा काम होगा कि कैसे कैसे मैं आपको चीज़ें आपके ब्रेन तक ले जाता हूँ। अगले 2 घंटे में आपके दिमाग में एक विस्तृत नॉलेज जाने वाला है, इसलिए आराम से थोड़ा सा जितना भी फोकस बाहर का है वो सारा खींचिए और यहाँ पे क्लास पे लाइए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए हम आज ये तय करते हैं कि हम क्लास के अंदर ही रहेंगे, क्लास के बाहर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना रखिए। और फिर देखिए आपको 2 घंटे में वो ऊर्जा मिलेगी जो आप लोग इसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। तो अर्थव्यवस्था में मैं आप लोगों को सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो तरीके की चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है परंपरागत अध्ययन जो ट्रेडिशनल चलता है या थ्योरी सेक्शन जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है करंट बेस्ड जानकारी। तो करंट तो इसमें नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन ही है ज़्यादातर चीज़ें, है ना। और चूंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के आधार से शिखर तक की यात्रा है, 0 से 100 तक जाने वाली बात है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, शुरुआत कैसे हो सकती है, कैसे इकोनॉमी को आपको हैंडल करना चाहिए, ये चीज़ भी आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो परंपरागत अध्ययन हम देखेंगे, साथ साथ करंट अफेयर्स, मेरे मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के हैं, उसमें इकोनॉमी अपडेट होती रहती है। इसके अलावा आने वाले समय में मैं इकोनॉमी का, जब दोनों दूसरा पार्ट इसका आ जाएगा उसके बाद करंट का अलग से अपडेट कर दिया करूँगा, वो एक अलग विषय है। तो शुरुआत करेंगे भारत की आज़ादी के पहले से, चूँकि आपका सिलेबस दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी में दो चीज़ें हैं, एक है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और दूसरा है इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो सिलेबस में अर्थव्यवस्था है ना कि अर्थशास्त्र है, लेकिन बिना अर्थशास्त्र के इकोनॉमी अधूरी होती है, दोनों को आपको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना। अर्थव्यवस्था क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर चलने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको लेकर के चलती है। जैसे भारतीय, भारत में बैठे हो आप, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत क्षेत्र में कैसे इकोनॉमी डेवलप है, क्योंकि हर देश का अपना अपना इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, यूएसए का अलग हो सकता है, रसिया का अलग हो सकता है, इंडिया का अलग हो सकता है अलग, कैसे अलग है मैं बताऊंगा उस चीज़ का। तो हमें इकोनॉमी पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो भारत की आज़ादी के बाद यानी कि भारत का जब संविधान बना और संविधान में जो इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट किया गया उससे पहले क्या था, यानी अंग्रेज जब भारत में थे उस समय क्या था। अच्छा, हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो गई, इसकी तहस नहस कर दिया गया, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई अंग्रेजों के आने के पहले क्या बहुत अच्छा था क्या, है क्या प्राचीन काल में, मध्य काल में इंडियन इकोनॉमी बहुत बेहतर थी क्या। तो एक बार जानने का प्रयास करेंगे अंग्रेजों के आने के पहले की अर्थव्यवस्था, बहुत कम समय में, शॉर्ट सिनेरियो। और फिर अंग्रेज जितनी अवधि तक रहे, 200 साल तक भारत में रहे, भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रन करते रहे, तो किस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने बना दिया वो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद मैं अगला सिस्टम जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं और भारत के जितना भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। तीन चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर इकोनॉमिक में यहाँ पर जो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हो सकती हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रोथ किसे कहते हैं, प्रोग्रेस किसे कहते हैं, है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्चुअल या फिर कहें शब्दावली टाइप की चीज़ें ये देखने का प्रयास करेंगे।
फिर मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नेशनल इनकम समझाऊंगा आज, कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम क्या जीडीपी नेशनल इनकम है, क्या एनडीपी है, क्या जीएनपी है, क्या एनएनपी है तो कैसे है, ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान लक्षण क्या हैं, फिर राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, इसके बाद में मुद्रा स्फीति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको समझने में बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसी क्रिएट की जाती है, तो मैं राजकोषीय नीति भी बताऊंगा आपको और साथ साथ मौद्रिक नीति भी बनाऊंगा, क्योंकि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा तय किया जाता है, किस प्रकार से पैसे के प्रवाह को कम या ज़्यादा करती है आरबीआई, तो ये समझेंगे। पूरा का पूरा प्रयास मेरा होगा कि मैं आपको बेहतर से समझा सकूँ। दूसरा जो है, मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर आज ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बड़ा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, ठीक है, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्सरी में सर्विस सेक्टर। तो वो समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर आज मैं बहुत अच्छे से लेने वाला हूँ, और कृषि से जुड़ा हुआ एक ऐसे भी आ सकता है तो भी आप उसे हैंडल कर पाओगे, ये भी मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो और सिलेबस बहुत बड़ा है, कृषि के बाद उद्योग आपका पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको पढ़ना चाहिए, फिर सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ही आपका मुद्रा, बैंकिंग, परिवहन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत लंबा है, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हैं। फिर विदेशी व्यापार, फेरा फेमा, FDI, ये दुनिया भर की चीज़ें आप सुनते रहते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है आपको। इसके बाद आर्थिक नियोजन, किस प्रकार से भारत की आज़ादी के बाद प्लानिंग की बात चालू हुई और किस प्रकार से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिया और भारत में एक समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, तो आर्थिक नियोजन और योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक का सफ़र, ठीक है, ये पूरी कहानी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अहम योगदान है, राज्यों का योगदान क्या है, भारत का फेडरल सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें भी आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राजकोषीय नीति तय होती है, इसमें बजट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। आज आपको भी पता है कि यदि आपके किसी भी साल में, है ना, ऐसा लगता है कि भाई अगले साल बहुत सारे खर्चे घर के निकलते हैं, तो आप बजट को इधर उधर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो भारत सरकार भी देश की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टैक्स सिस्टम, जैसे हमेशा देखते हैं ना टैक्स स्लैब चेंज होते रहते हैं, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चेंज किया जाता है, क्या रीज़न है कि टैक्स स्लैब क्यों चेंज करते हैं, किस प्रकार से कर ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्यों कर ज़्यादा घटाया जाता है, किस प्रकार से सरकार बहुत सारी सामाजिक सेवाओं में पैसा ज़्यादा खर्च करती है, कई बार पैसा खर्च नहीं करती है, उसका रीज़न है, वो सब महंगाई दर कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, यही तो है राजकोषीय नीति। और क्या है, आय व्यय का विनियमन करना, किस प्रकार से मुझे कितना इनकम कहाँ से मिल रहा है, किस प्रकार से इनकम को ज़्यादा बढ़ाना और किस प्रकार से व्यय करना, ताकि देश के अंदर अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे, ठीक है। चलो, एक टॉपिक आपका आगे आएगा, ये बजट, राजकोषीय प्रबंधन, और इसके साथ ही आपका टैक्सेशन सिस्टम भी है, है ना, टैक्स सिस्टम में बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी से लेकर GST तक, तो पूरा का पूरा सेक्शन इसे भी पढ़ेंगे। फिर निर्धनता और बेरोजगारी, ये आपका सोशल जस्टिस का टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो गरीबी, एक और टॉपिक निकल के आता है, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, गाँव में आप देखते हैं भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है, गाँव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो एक टर्म्स निकल के आता है ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये क्या है, गांव में लोग इतना ज़्यादा गरीब क्यों होते हैं, क्यों किसान गरीबी में फंसे रहते हैं, उसके रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे गांव के लोग क्या करते हैं ना, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनसे जुड़े हुए पहलुओं पर पैसे का निवेश नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों में पैसा खराब कर दिया जाता है, जो पैसा आपको इकोनॉमिक रूप से बेनिफिट नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में भी लेके चलूँगा आपको। इसके बाद आपका है केंद्रीय योजनाएं, भारत सरकार के द्वारा देश में आर्थिक विकास को सब तक पहुंचाने के लिए, या देश में समावेशी विकास पहुंचाने के लिए, या देश में सोशल जस्टिस देने के लिए, सबको सामाजिक न्याय देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दोनों हैं, दोनों प्रकार की योजनाएं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का सहयोग होता है या केंद्र सरकार खुद इनिशिएट करती है, तो ये सारी योजनाएं, मेरा तो विचार ये है कि मैं नेहरू से लेकर अब तक की योजनाएं पढ़ा डालूं, एक वीडियो ही बना डालूं जिसमें बस डेली आती रहें योजनाएं बढ़ती रहें, मास्टर वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, जो भी घटती रहें बढ़ती रहें ये भी हो सकता है, तो देखेंगे योजनाओं को, तो मैं कुछ ऐसे ही लेके चलूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, ये बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा योजनाओं का ही।
तो जिंदगी भर योजना ये नहीं रहेंगी कि ये छूट गई वो छूट गई, बिल्कुल शुरू से उठाओ लास्ट तक का देख लो, खत्म बात। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद आपका हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल एक साल का पूरा विवरण, क्या इकोनॉमी है, क्या चुनौतियां हैं और उसकी क्या समस्याओं का निदान है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में आता है। इसके बाद इकोनॉमी का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखो ये सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस तो खूब दबा के पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बोर्ड से मिलने वाले हैं, या फिर जो भी आप वनडे एग्जाम देंगे तो भी मिलने वाले हैं, या फिर यूपीएससी देंगे तो यूपीएससी में आपको, यूपीएससी चूंकि चार कथनों में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है तो कोई ना कोई कथन आपको जरूर इस बोर्ड से मिलेगा। लेकिन ज़्यादा रोल यदि मैं कहूँ इकोनॉमिक्स में तो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स यदि आपका थोड़ा भी कमजोर है तो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप सही से कर पाएंगे। इसलिए हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है ना, तो एक बार इकोनॉमी को समझिए और समझने के बाद आप न्यूज़पेपर पे पूरी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। समय समय पर आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति हर दो महीने में रिवाइज की जाती है, तो वो सब चीजें आज समझेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, फिर न्यूज़पेपर की समझ आपको खुद विकसित करनी है, ये जिम्मेदारी मैं आपको खुद दूंगा, अपना धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका जो लास्ट में सिलेबस में दिया है, उसका नाम है निवेश मॉडल, ठीक है। भारत में बहुत सारे जितने भी वर्क हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट कर दे, गवर्नमेंट की क्षमताएं हैं, गवर्नमेंट के पास संसाधनों का अभाव है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे निवेश मॉडलों के माध्यम से वर्क करती है। सड़क बनवाना है, रेलवे बनवाना है, तो बीओटी मॉडल बिल्ड कोई और कर रहा है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बाद में गवर्नमेंट को, तो बहुत सारे मॉडल होते हैं निवेश मॉडल, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर पीपीपी क्या है ना, और इसके बाद जो है बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से पूरा सिलेबस है आपका कंसाइज। अब ये सिलेबस मैंने चार छः लाइनों में आपको समझा दिया, लेकिन इतना है नहीं, जब आप किताबों में जाओगे तो बहुत लंबा निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको आसान बनाऊं, इतना आसान जितना आप लोगों ने कठिनी से समझ रखा, उससे आसान। आज के बाद इकोनॉमी की प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाएगी, 1% की गारंटी आपके दिमाग पे देता हूं। आपका ब्रेन कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक से लेके चलता हूं, मुझे बस सुनना है और कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं चूंकि टॉपिक अब शुरू करने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना है, पिछले अगले 2 घंटे तक आपको पूरा मन लगा के बैठना है। शुरू किया जाए, अनुमति है, चलो प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंग्रेजों से, पकड़ते इन्हीं को हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सारी जिम्मेदारियां हम इनके ऊपर थोपते हैं। हम ही नहीं थोपते, हमारे पूर्वज भी थोपते आए, दादा भाई नेरोजी ने भी यही बात कही, आरसी दत्ता ने भी कही, फिर आगे जाकर के बहुत सारे आयोग कमीशंस बने, उन्होंने भी कही। तो एक बार अंग्रेजों को देखते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हम क्या थे, क्या अंग्रेजों के आने के पहले इतनी बड़ी इकोनॉमी थे। वास्तव में भारत देश जो है, जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे, चाहे मुगल काल की अर्थव्यवस्था रही हो या दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था रही है, और पीछे जाइए तो आपका राजपूत काल की अर्थव्यवस्था रही हो, ये जितने भी समय जब अंग्रेज नहीं थे भारत में, तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष थी। आज आप देखते हैं ना, बहुत सारी इकोनॉमी है पश्चिमी सभ्यता में, यूरोप में सब डेवलप्ड नेशन है, चाहे जर्मनी को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, ये बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लोग खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, जितने भी क्वालिटी इंडेक्स निकलते हैं उन सब में नंबर एक में आते हैं। रीज़न क्या है, लोगों के पास आर्थिक समृद्धि है जिसके कारण से वो भौतिक सुविधाओं को पूरा करते हैं, पेट में भोजन रहता है। लेकिन भारत की ये कंडीशन अंग्रेजों के आने के पहले ऐसी ही थी जैसे ये थे, जैसे यूरोप दिख रहा है आपको आज का, वैसा ही भारत समकक्षता थी उस समय। इन्होंने चूसा, जोंक बन के चूसा, ये अंग्रेज नहीं जोंक थे भारतीय इकोनॉमी के लिए, पूरा चूस के ले गए यहाँ से। अब कैसे कैसे चूसा ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे भारत का रेवेन्यू खर्च किया जाता था, है ना, जहाँ पे मतलब कोई बेस ही नहीं हो सकता, उनका अधिकार भी नहीं बनता था, वहां पर भी उन्होंने भारत के पैसे, यहां तक कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के पैसे से आपने युद्ध लड़ा, यह तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है, जिसमें भारत जैसा देश तो इन्वॉल्व भी नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन पूरा का पूरा खर्चा पूरा का पूरा ठीकरा पहले तो युद्ध में हमें झेला, युद्ध में झेलने के बाद खर्चा भी झेल दिया, ये खर्चा भारत सरकार उठाएगी। ऐसे ऐसे केस हुए, अफ्रीका में आप साम्राज्यवाद कर रहे हो और अफ्रीका का साम्राज्यवाद का खर्चा भारत देश से चल रहा है आपका, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे चीजें निकल के आई हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता था जैसे अभी राष्ट्रीय आय का आप विवरण निकलता रहता है, ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, कभी नहीं। ये दादा भाई नेरोजी का काम है कि उन्होंने ये चीजें निकाली। तो अंग्रेजों के आने से पहले जाते हैं, ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस याद रखिएगा, भारत में गरीबी
अंग्रेजों की देन है। हम गरीब नहीं थे, हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत, वास्तव में हमारा व्यापार संतुलन ऐसा था कि रोम का पूरा सोना भारत में था। यहाँ से काली मिर्च दे करके, जिसको आज ब्लैक गोल्ड आप बोलते हो, वास्तव में एक सोना था वो, उसके एवज में इतना सोना आता था। आपका जो अरिकमेडु बंदरगाह है पांडिचेरी वाला, यहाँ पे रोमन व्यापार ऐसा होता था। उस समय के समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि यूरोप महज काली मिर्च के लिए भारत को अपार सोना, अपार धन वापस, पूरा रोमन साम्राज्य खाली कर दिया हमने, इतना पैसा भारत तक पहुंचा है। हमारे यहाँ सोने के सिक्के चलते थे कनिष्क के टाइम पीरियड पे, गुप्ता के टाइम पीरियड पे, सोने के सिक्के, समझिए धातु का, सोने का गोल्ड गोल्ड कॉइन चलता था। ठीक है, वो कॉइन किस कंडीशन तक आ गया आप खुद देख लीजिए, गोल्ड तो छोड़िए। तो कहीं ना कहीं पे भारत में जो आज गरीबी है, ये निश्चित तौर पे हम, कारण क्या था इस गरीबी का? उपनिवेशवादी शोषण। अब उपनिवेशिक शोषण क्या होता है आप धीरे धीरे समझेंगे। अंग्रेजों से आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के समान थी। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था में शुरुआत से भी आप देखें, चाहे मौर्यन काल रहा हो, मौर्य काल में बहुत रिच इकोनॉमी है। आप देखें कभी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है पढ़िए, उसमें जितना भी प्रशासन के बारे में बताया गया है, और प्रशासन के साथ साथ राजा के पास जो संपत्ति का विवरण है, यहाँ तक कि मौर्य से पहले नंद वंश था भारत में, है ना। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत में नंद वंश का वंश चल रहा था। ठीक है, उस समय घनानंद जैसे शासक थे, और घनानंद के टाइम पीरियड में इतना पैसा था कि सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई कि ब्यास नदी को पार करके भारत में आक्रमण कर सके। उसकी सेना ने सुन रखा था कि बहुत अपार धनाढ्य व्यक्ति है, चाइना वाइना कुछ नहीं था उस समय, इतना पैसा होता था नंद वंश के शासकों के पास। वही चीज मौर्यन काल में भी रही, चाहे मौर्य रहे हों, चाहे शक रहे हों, चाहे कुषाण रहे हों, चाहे गुप्ता रहे हों, चाहे मध्य वंश में दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, मुगल काल तक भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल चला है, था पैसा। अब देखो एक चीज बताता हूँ, स्वर्ण काल आप बार बार सुनते हैं कि गुप्ता काल स्वर्ण काल है ना, ये स्वर्ण काल है। एक चीज ध्यान रखिए, समाज में हमेशा दो तरीके के वर्ग उपस्थित रहे हैं, समाज में एक निम्न वर्ग हमेशा रहा है ना। तो स्वर्ण वर्ग अभी देख लीजिए, अभी क्या कहे कि स्वर्ण काल चल रहा है, भारतीय संविधान आ गया, सब कुछ आ गया, आज भी स्वर्ण काल नहीं चल रहा है। ठीक है, आज भी कोई गोल्डन ईरा नहीं चल रहा है, हमेशा समाज के उच्च वर्ग के लिए, जो समाज का एलीट क्लास होता है, उसके लिए हर समय स्वर्ण काल ही होता है। ठीक है, तो ये भी इस पे बड़ा डिबेट है। डीएन झा ने दुनिया भर की बातें लिखी हैं, उन्होंने कहा कि गुप्ता काल को आप स्वर्ण काल कहते हो, ठीक है, वो दूसरे दृष्टिकोण से जरूर होगा, लेकिन इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव से समाज का कोई भी काल स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज का जो दूसरा वर्ग है, जो निम्न तबके का वर्ग है, वो तबके के लिए कभी भी स्वर्ण काल आ ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसी बातें हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हमारी स्थिति सही थी, हम उनके समकक्ष थे, हमारा व्यापार संतुलन अच्छा था, गांव आत्मनिर्भर होते थे, गांव सिर्फ लोहा और नमक के लिए शहर जाते थे, गांव में हस्तशिल्प, दस्तकारी, गांव के अंदर ही कुम्हार है बड़े, आज भी देखते हैं ना, एक ही गांव में आपको सब मिल जाएगा। कारण यह था कि गांव की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा डेवलप किया गया था कि गांव की जरूरतें गांव में पूरी हो जाएं, शहरों पर निर्भर नहीं किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व गांव की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया अपने उद्योगों को डेवलप करने के लिए। यदि भारतीय सेना के लिए या भारत के प्रशासन के चलाने के लिए एक सुई भी चाहिए होती थी ना, वो भी इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, भारत से नहीं खरीदी जाती थी। तो जब भारत से आप कोई चीज खरीदोगे नहीं, यहां से कोई चीज लोगे नहीं, तो कैसे उस चीज का प्रोत्साहन होगा, वो चीजें बिकेंगी कैसे, वो अलग मुद्दा भी आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इतिहास के पन्नों में कैसे है, गांव में क्या क्या होता था। गांव में कृषि और दस्तकारी का काम होता था, जब मुगल काल वगैरह था, अंग्रेज नहीं आए थे तब की बात बता रहा हूं। गांव आत्मनिर्भर होते थे, हस्तशिल्प होता था, और कहीं ना कहीं पे किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं थी गांव में। शहरों की कंडीशन क्या थी, शहर में से प्रशासन चला करता था, उस समय भी शहर थे, मुगल काल में भी पर्टिकुलर एक सेंटर बने हुए, जैसे मगध है ना, जैसे कि आगे चल के कन्नौज, कन्नौज के बाद आगरा, दिल्ली, ऐसे करके केंद्र बने हुए थे, यहाँ शासकों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। आज भी देखते हैं शहर आज भी प्रशासन के केंद्र है ना, आज तो गाँव को भी बनाया जा रहा है धीरे धीरे। तो शहर क्या होते थे, प्रशासनिक धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र के तौर पर रहते थे। यहाँ पर उद्योग व्यापार भी होता था, जो व्यापार अधिशेष बचता था उसको जाकर के बेचते थे। ठीक है, तो ये काम होता था शहरों का। भारत से क्या होता था, भारत से जो रेशमी वस्त्र होते थे, है ना, मुगल काल की बात कर रहा हूँ, मुगल काल की अवधि की ध्यान रखिएगा, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, मलमल के वस्त्र,
ये जो विश्व के सर्वोच्च कोटि के उत्पाद माने जाते थे, ये माना जाता था कि भारत का ये कपड़ा, जैसे आज हम देखते हैं ना पश्चिमी सभ्यता से बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, लुई फिलिप्स का नाम सुन रहे हो आप लोग, दुनिया भर की कंपनियां हैं, वैनुशयन है, दुनिया भर की कंपनियां हैं जिनके कपड़े आज भारत में बिक रहे हैं और कहते हैं उच्च कोटि के कपड़े हैं, महंगे ब्रांड हैं। तो वैसे उस समय भारत के कपड़ों की बहुत डिमांड थी विश्व में, लोग भारत के कपड़ों के दीवाने होते थे और इसी के कारण से बहुत स्तर पर रेवेन्यू भारत में आता था। इसके अलावा संगमरमर का कार्य चलता था, संगमरमर उद्योग बड़े स्तर पर डेवलप था चूंकि ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। पत्थर तराशने का कार्य आप देखिए खजुराहो वगैरह में कितने बड़े उच्च कोटि के हमारे यहाँ पे कारीगर और शिल्पी होते थे जो पत्थर तराशने का काम करते थे, पत्थर तराशने का काम, लकड़ी पर नक्काशी का काम। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, खजुराहो का टेम्पल आपने देखा होगा, सुना होगा, खजुराहो का टेम्पल इस प्रकार से बनाया गया है कि चाहे तो पूरे के पूरे टेम्पल के एक एक पत्थर को हटाकर रख दें और फिर से असेंबल कर दें, उस पर कोई सीमेंट गारा कुछ नहीं लगाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला थी। चाहे तो पूरा खजुराहो का टेम्पल दिल्ली में ला सकते हैं आप, एक एक पत्थर उठा करके आकर यहाँ असेंबल कर दीजिए। तो इस स्तर की नक्काशी और कला भारत में रही है, हमने देखा है ना, एलोरा का कैलाश टेम्पल देख लीजिए क्या बनाया गया चीज़, पहाड़ों को काट कर आपने गुफाएं बना दी और मंदिर बना दिए। जिस समय यूरोप पूरा अंधकार युग में जी रहा था, जब वहाँ पे डार्क एज चल रहा था, तब भारत में इतने उत्कृष्ट स्तर की चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं। इसके अलावा भारत में सोना चांदी आभूषणों का भी निर्यात होता था, निर्यात में मसाले बहुत इंपॉर्टेंट थे, नील का कलर के रूप में नील की खेती होती थी, रेशम था, कपास था, सोरा था, अफीम थी, ये सब चीज़ें निर्यात के लिए, इनसे बड़े स्तर पे फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भारत में आती थी। उस समय विदेशी मुद्रा के रूप में सोना होता था, बुलियंस, धातु में ही व्यापार होता था। आज के टाइम पे तो डॉलर हो गया, रिप्लेस कर दिया डॉलर ने सोने को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर का उद्योग डेवलपमेंट था। भारत की, ब्रिटिश से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ग्रामीण थी, तब भी थी, आज भी ग्रामीण ही कहेंगे, अभी धीरे धीरे हम चेंज हो रहे हैं, ठीक है उस पर बाद में बात करेंगे। 90% आबादी गाँव में रहती थी मुगल काल में, 10% लोग ही है ना शहरों में रहते थे या फिर जो सेंटर डेवलप हुए थे। 1918 में अंग्रेजों ने एक औद्योगिक आयोग बनाया, इंडस्ट्रियल कमीशन बनाया, और इंडस्ट्रियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसने कहा कि जब पश्चिमी के साहसी व्यापारियों ने भारत में पदार्पण किया यानी वास्को डी गामा जब भारत आया, तो उस समय देश के विकास के मामले में भारत किसी भी प्रकार से यूरोप से पीछे नहीं था, जितना यूरोप डेवलप था उतना भारत डेवलप था, ऐसा उनके कमीशन ने कहा जो 1918 में बना। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ये अंग्रेजों के आने के पहले निश्चित तौर पे बहुत बेहतर थी, आप ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। अब बात है कि ये लोग आए तो क्या किए, सबसे पहला काम जो मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज इस रूप में नहीं आए थे जैसे मुगल आए थे कि आए तो हमारे कल्चर पे, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम पे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, सबको उन्होंने कैप्चर कर लिया, ऐसा अंग्रेज नहीं आए थे। अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो एक नए प्रकार का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए, वो सिस्टम लेके नहीं है और उनका किसी भी प्रकार से कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में जाकर के बसना है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनी बनाकर रह रहे थे कि हमारी कॉलोनी है, यहाँ से हमें आर्थिक शोषण करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, और एक चीज़ समझिए, औपनिवेशिक शोषण आपको अभी समझ में आ जाएगा कि औपनिवेशिक शोषण क्या है। मूल रूप से भारत में आने का एक ही रीजन था, पैसा, और कोई दूसरा रीजन नहीं था कि जाएंगे तो यहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, एक ही रीजन था कि भारत आर्थिक तौर पे समृद्ध देश था तो यहाँ से व्यापार के माध्यम से पैसा ले जाना था। अब यहीं पर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे धनाढ्य लोग रहते हों, है ना, जहाँ पे बड़े स्तर पे संभावनाएं हों कि आर्थिक तौर पे, तो कोई भी जाकर वहाँ व्यापार करना चाहेगा, कोई भी जाकर के वहाँ पे बड़ी बड़ी आप कंपनियाँ देखेंगे ना, चाहे मॉल खुले हों या बीकानेर हो या कोई भी हो, बड़ी बड़ी फूड कंपनियाँ हो, ये ऐसे इलाकों में लगती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ से अच्छा रिवेन्यू आएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई आनन फानन में अंग्रेजों के द्वारा, चूंकि अंग्रेजों ने शासन के लिए, इसलिए अंग्रेजों की बात करेंगे, बाकी यूरोप में तो बहुत सारी कंपनियाँ आई, वो सब चली गई, यहाँ की प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आनन फानन में बनाई गई और उसको अधिकार दिया गया कि जाइए भारत और भारत का शोषण कीजिए, आपको पूरा राइट है, आप ही का है ना, उनको पूरी के पूरी तरीके से चार्टर के तहत कि ये क्षेत्र में आपकी मोनोपोली है और अपने हिसाब से चलाइए। देखिए ये पूरी प्लानिंग थी, चाहते तो और क्या, प्राइवेट, आपको भी मैं पढ़ाऊंगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, आप सिर्फ एक कंपनी को पूरी की पूरी मोनोपोली दे रहे हैं ताकि वो कंपनी पूरी प्लानिंग के साथ उस कंट्री को पूरी तरीके से खोखला कर सके, आप 10 कंपनियों को नहीं दे रहे हैं,
आगे वाली कंपनियों को मना ही कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी रहेगी तो प्रतिस्पर्धा का अभाव रहेगा और बड़े अच्छे फोकस्ड तरीके से ये काम कर पाएंगे किसी भी कंट्री को कैप्चर करने में। पूरी की पूरी साम्राज्यवादी सोच थी, पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत अंग्रेज भारत आए थे कि भारत को पंगु बना के जाना है किसी भी कंडीशंस में। उनके ऊपर चोंगा दूसरा और था, चोंगा और पहने हुए थे कि हम श्वेत व्हाइट मैन वर्डन की पॉलिसी लेकर आए थे कि हम श्वेत व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर भार है आप लोगों का, हम आपको सभ्य बनाने हैं, आप लोग असभ्य लोग बैठे हुए हो, तो मेरा अब आपको कर्तव्य है कि मैं आपको सभ्य बना दूं। तो व्हाइट मैन वर्डन की पॉलिसी, दूसरा दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने अपने उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने दिया है जिसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं अदा करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्थिक और नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंग्रेज लेकर आए। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें? ऐसा नहीं कि मैं ही समझ रहा हूँ, नहीं ना, हाँ समझते जाइएगा और बीच बीच में थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लेते जाना जहाँ पे दिमाग थके, क्योंकि वो थक नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से थकान आती है, तो गहरी लंबी सांस लेनी है। ठीक है, चलिए। तो अंग्रेज मूल रूप से भारत में व्यापारी बनकर दौलत के रूप में आए थे, दौलत लेने के लिए आए थे, मोह में आए थे। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक था कि उनको कच्चा माल जरूर मिले, नहीं तो उनकी फैक्ट्री चलेंगी कैसे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के लिए, जब औद्योगिक क्रांति यहाँ पर प्रारंभ हुई वहाँ पर, तो उनको चाहिए था कच्चा माल। ठीक है, और वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रियों में क्या हो, माल बने और उसको बनने के बाद वहीं सड़ता ना रहे, उसके लिए बाजार चाहिए था उनको। तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि ऐसा करते हैं, बहुत सारे देशों को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अपने हाथ में लेते हैं और वहाँ से कच्चा माल लेंगे और वहीं पर बेचेंगे, तो बाजार भी मिल जाएगा और कच्चे माल का रिसोर्स मिल जाएगा। ये प्लानिंग भारत के साथ भी की गई और भारत को महज कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया और बने हुए माल का आयातक बना दिया गया, यानी कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे कच्चा माल, चाहते थे तो रॉ मटेरियल नहीं बन सकता था भाई। आज खुद सोचे, आज भी वही हालत है, आज को आपको लग रहा होगा कि हालत अच्छी है, नहीं, आज भी भारत की वही कंडीशन है। आज भारत का जितना लोहा है जापान जाता है, चाइना जाता है, आप लोहे का क्यों नहीं भारत में स्टील प्लांट बड़े बड़े लग रहे हैं, क्यों वहां से हम, यहां से कच्चा लोहा जाता है, वहां से प्रोसेस्ड स्टील आता है, उससे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ से कारें बन रही हैं, सब कुछ बन रही हैं, इतना बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आप पूरा का पूरा कच्चा लोहा, कब तक रहेगा कच्चा लोहा आपके पास, कब तक रहेगा, उसकी एक लिमिट है ना। लेकिन देश के अंदर ऐसे डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे इनोवेशंस नहीं, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे यहाँ पे है तो बड़ी महंगी है, तो बहुत सारी चीज़ें देश के साथ हैं। तो आज भी हम यही काम कर रहे हैं, कच्चा माल दूसरे देशों में भेज रहे हैं, वहाँ से बना बनाया और खरीद रहे हैं, ये काम अभी देश में चल रहा है। तो अंग्रेजों ने भी इसी पॉलिसी को अपनाया और आज भी चूंकि देश में कुछ अंग्रेज हैं तो ये पॉलिसी अपना रहे हैं। तो अभी भी 18वीं शताब्दी में ये कहानी शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप, उसका एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इफेक्ट है। औपनिवेशिक शोषण की नीति थी इनकी, जिसके तहत इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति की गई, उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। इसके अलावा किसानों से कहा कि एक काम करिए, आप लोग खाद्य फसलें मत उगाइए, आपको नगदी फसलें उगानी पड़ेंगी। ठीक है, पहला काम इन्होंने ये किया कि भारत को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना दिया। ठीक है, दूसरा काम किया कि किसानों को खाद्य फसलों की जगह नगदी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, अनिवार्य कर दिया। तिनकठिया प्रथा जैसी प्रथाएं लगी थी, किसान बेबस था, चाहता हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। तो किसानों को खाद्य फसलों की जगह नगदी फसल, जिसके कारण से हुआ क्या, जिसके कारण से भारत में बारंबारता के तौर पे अकाल आए। जब भी फेमाइन आता था खाद्य सुरक्षा थी ही नहीं, लोग एक साथ निपट जाते थे, हमने कभी भी बफर स्टॉक बनाया ही नहीं, बनाया तो रखा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के। तो किसानों को खाद्य सुरक्षा की जगह नगदी फसलों की खेती होती थी। ठीक है, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का स्थायी कॉलोनी बनाए रखा इन्होंने, ब्रिटिश पूंजी को भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक तरीकों से निवेश किया। जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, पहले क्या करते हो, आप पूंजी इकट्ठा करते हो, और जब पूंजी इकट्ठा हो जाती है तो उस पूंजी को लगाने के तरीके ढूंढते हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप, हो सकता है बीमा अपना करवा लीजिए पर्सनली, या हो सकता है बैंक में बैंक का RD करवा लीजिए, FD करवा लीजिए। ये एक तरीके हो सकते हैं कि भाई चलो एक साल में 8% 4% कुछ ब्याज दर आ जाएगी। या हो सकता है कि सोचेंगे अरे नहीं, कोई बिजनेस में लगा देते हैं, तो बिजनेस मैं खुद नहीं खोलूंगा, मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा, कोई खोल रहा होगा उससे पूछूंगा, भाई पैसा चाहिए क्या, लो मुझे पार्टनरशिप में रख लो, मैं पैसा लगाऊंगा
चलाऊंगा, बाकी काम तुम्हारा होगा। तो अंग्रेज यहाँ पे जो रेलवे का डेवलपमेंट किए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और बताऊं, टेलीग्राम तार बिछाई गई वो भारत के पैसे से बिछाई गई, लेकिन बिछाई कहां तक गई, इंग्लैंड तक बिछाई गई। तो भारत के पैसे को, यहां से जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, इनका काम यह था कि पैसे को इकट्ठा करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में खर्चा करना शुरू कर देते, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, लेकिन उस पैसे को निवेश करना चालू कर दिया। आज जापान में देखिए 83-83 साल के लोग हैं, है ना, वो कर क्या रहे हैं। इंडिया में अच्छा मेट्रो नहीं है, चलो हम बनवा देते हैं, तो वो मेट्रो बनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा रोड बनवानी है, चलो एलिवेटेड रोड हम ही बनवा देते हैं। अच्छा एक्सप्रेस वे बनवाना है, हम बनवा देंगे। अच्छा बुलेट ट्रेन चाहिए, हम दे देंगे। क्यों, पैसा है उनके पास, तो कुछ नहीं करें। आज जापान कमा किस रूप से रहा है, जापान कमा रहा है अपने जो पैसा है, जो पूंजी है, उसी के निवेश से। तो इन्होंने भी भारत में बहुत तरीकों से अपना निवेश किया, इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक चीज के लिए था, ताकि उससे अच्छा रिटर्न आए। आप कहीं पे भी निवेश करते हो तो इसलिए थोड़ा ना करते हो कि वो पैसा आपका सोशल वर्क थोड़ो ना है, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट। 50 बैंकों से पूछते हो कि अच्छा इसमें कितना परसेंट चल रहा है, इसमें कितना चल रहा है, तब जाके पैसा जमा करते हो। तो अंग्रेजों ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए, कि भारत से अच्छा रिटर्न आएगा। तो इस कारण से यहाँ पे बड़े स्तर पे कहाँ कहाँ किया इन्होंने, भारत की आधारभूत संरचना बनाई। लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने रेलवे दे दिया, कुछ नहीं दिया, ये तो सिर्फ उनकी एक पॉलिसी थी ज़्यादा शोषण करने की। तो यहाँ पे आधारभूत संरचना, रेलवे बना, पोर्ट बनाए उन्होंने, बंदरगाह की, अच्छे बंदरगाह होंगे तो जल्दी जो है सामान आएगा जाएगा, ज़्यादा पोर्ट बना देंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, ये भी एक पॉलिसी थी उनकी, ठीक है। इसके अलावा जहाजरानी उद्योग बड़े स्तर पर शिप बनाना चालू किया, कि हमारा चूंकि समुद्री व्यापार है इसलिए शिपमेंट को ज़्यादा वर्क करना चाहिए। विद्युत यहाँ पे डेवलप की, ताकि कारखाने जो वहाँ पे नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे ही कारखाने, चूंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी लगातार। जल आपूर्ति में काम किया, कोयला और सोना खनन, भारत में सोना की माइनिंग कराना अंग्रेजों ने ही चालू किया, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे बड़ी बड़ी कोल माइंस, बड़ी बड़े गोल्ड माइंस आज जो खाली हो गई हैं वो इन्हीं की देन है, सब ले गए यहाँ से। तो सोना कोयला इनकी माइनिंग कराना चालू किया इन्होंने। इन्हीं के टाइम पीरियड पे बीमा, बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार, निवेश, ये सारे उद्योग अंग्रेजों ने चालू किए थे, ठीक है। सूती और ऊनी कपड़ा, तंबाकू, कागज आदि छपाई में निवेश करना चालू कर दिया इन्होंने। यहाँ का जितना भी उद्योग था उस पर सिर्फ इन्वेस्टर बन गए। चाय के बागान लगाने लगे बड़े बड़े, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, हिमाचल वाले क्षेत्र में टी गार्डन्स लगाने लग गए। इसके बाद काफ़ी रबड़ की खेती, पटसन आदि पर निवेश करना चालू कर दिया इन्होंने। तो ये इन्वेस्टर्स बन गए, भारत से ही कमाया और उसी के पैसे को निवेश करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सरकारी सामान खरीदने की नीति इनकी कैसी थी अंग्रेजों की, ये क्या करते थे, भारत सरकार द्वारा सेना तथा स्थानीय प्रशासन की जो भी आवश्यक वस्तुएं होती थी उनकी आपूर्ति इंग्लैंड से होती थी, यानी उनका यदि सामान खरीदना है तो इंग्लैंड से खरीदेंगे। जैसे आपके पड़ोसी की दुकान हो तो आप पड़ोसी की दुकान से ना खरीद के, है ना, उसके 10 कदम बाहर जा करके अगली कॉलोनी में जाके वहाँ की दुकान से खरीद के लाएं, तो आपके पड़ोस में पैसा नहीं जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो दूसरी वाली कॉलोनी में जा रहा है, तो आपका पड़ोसी बेचारा गरीब है और आप, होता है व्यापार में बहुत ज़्यादा होता है। तो अंग्रेजों की सेम पॉलिसी थी कि हम अपने घर से खरीदेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके चाचा की दुकान दूसरे कॉलोनी में हो और आप यहाँ रहते हो तो आप वहीं से लेकर आओगे, आप नहीं पड़ोसी से लोगे। क्यों, आपको लगता है मेरे चाचा के पास जाएगा पैसा तो ज़्यादा अच्छा, वो 4 पैसे कमा लेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो अंग्रेज अपने ही घर में खरीदे, भारत से कोई चीज़ नहीं खरीदे। तो इंग्लैंड से इन्होंने आयात किया जितनी भी चीज़ें थी। अब इसका क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या निकल गया, पहली चीज़ यहाँ का स्थानीय उद्योग पिछड़ गया। जब चीज़ें, भाई आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो अंग्रेजों द्वारा सामान आता था वो सामान इतना सस्ता होता था कि भारत का बना हुआ सामान उस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाता था, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ भी की। एक होता है एक्सचेंज रेट, आप जानते हो मुद्रा और डॉलर का, आप पढ़ते हैं ना कि मुद्रा जो है आज कमज़ोर है, डॉलर महंगा है। तो मुद्रा डॉलर यदि मजबूत है तो बेनिफिट है रुपया को, क्योंकि रुपया के कारण, रुपया कमज़ोर होने के कारण से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। $1 में वो 70 रुपये जितना भारत में, 70 रुपये, जैसे कि चीनी खरीदनी है आपको, ठीक है, तो $1 में वो 2 किलो चीनी खरीद लेंगे, आप 80 रुपये लगाएंगे तब जा करके आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। वो $1 में खरीद रहे हैं, हम 80 में खरीद रहे हैं, समझो एक्सचेंज रेट। तो डॉलर क्या होना चाहिए, हमारा रुपया, उन्होंने क्या किया, रुपया को मजबूत कर दिया और स्टर्लिंग और पाउंड को कमज़ोर कर दिया। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे, मेरी नहीं समझ पा रहे मुझे लग रहा है ना। यदि मुद्रा, चाइना क्या करता है, चाइना का आप देखते हो युआन को कम कर देता है, उसकी वैल्यू अपने आप, सरकार भी कर सकती है, अवमूल्यन कर देगा मुद्रा का। तो अवमूल्यन करने से क्या होगा कि वो प्रोडक्ट उसका सस्ता हो जाएगा अदर देश में जाकर, अदर कंट्री में जाकर के,
अब वो सस्ता कैसे होगा? देखो एक रूल है, मैं एक रूल आपको सिखाता हूँ, ये रूल यदि आपके दिमाग में बैठ जाए तो इकोनॉमी का हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का। जब भी किसी चीज़ की, देखो आज के टाइम पे क्या है ना, पूरी अर्थव्यवस्था बाजार पे आधारित है, बाजार की दो पावर हैं, बाजार के पास दो शक्तियाँ हैं, पहली है डिमांड, दूसरी है सप्लाई, और कोई शक्ति नहीं है बाजार के पास। बाजार में आप देखेंगे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या तो नहीं है, या किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है या तो नहीं है, तो ये दो पावर बहुत कुछ निर्धारित करती हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, चूंकि पूरी मुद्रा स्फीति मुझे इसी पे बढ़ानी है, मैं ये दो यही कॉन्सेप्ट लेके आपको सारी प्रॉब्लम आपकी हल कर दूंगा आज, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की। तो यदि कोई चीज ज्यादा उपलब्ध हो, जैसे कि मैं क्या करूं, मैं 24 घंटे आपको पढ़ाऊं, यानी कि मेरी उपलब्धता ज्यादा हो गई, तो मेरी जो ज्यादा उपलब्धता हो जाएगी तो महत्व कम हो जाएगा मेरा कि नहीं होगा? है ना, आपको लगा रहे ऐसे ही है, फ्री रहते हैं, खाली बैठे हैं। मैं सप्ताह में एक दिन आऊं, मैं चाहे घर में फ्री बैठा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास एक दिन आऊँ, तो आपको लगा क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, मेरी सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है तो मेरे भाव बढ़ गए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा होगी, जो भी चीज़ ज़्यादा होगी, एक रीज़न है ये, कई और रीज़न भी हो सकते हैं भाव बढ़ने के, एक रीज़न ये है कि यदि चीज़ ज़्यादा हो गई तो वो उसके क्या हो जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे। शादी वादी में जाइए आप, शादी में देखते हैं ना कि आप यदि सबसे हालचाल पूछते रहें तो फिर आपका हालचाल कोई नहीं पूछेगा, सबको लगा अरे फ्री है ये, हर 5 मिनट में आके बैठ जाता है। लेकिन आप अकेले रहिए, अकेले साइड में खड़े रहिए, तो 4 आदमी आके पूछेगा यार क्या हाल है, बड़े साइड साइड में खड़े हो। रीज़न क्या है, आपकी सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाएगी आपकी ऑटोमेटिक, लोग आपसे आके ज़्यादा करेंगे। तो ये एक रूल है इकोनॉमी का, यही चलता है हर जगह। तो यदि युआन है, युआन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, या ज़्यादा छाप दे वहाँ की गवर्नमेंट या कुछ भी कर दे, तो उसका क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया, तो मूल्य घटेगा कि नहीं? जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए मूल्य घटेगा, एक तरीका है ये भी, और भी तरीके हैं, और भी चीज़ें हैं। रुपया को ज़्यादा छाप दे RBI, तो रुपया का मूल्य क्या रहेगा, कुछ नहीं। एक समय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी ने किया है, जर्मनी ने इतना पैसा वहां के बैंकों ने छाप दिया कि एक ब्रेड खरीदने के लिए एक ट्रॉली पैसा ले जाना पड़ता था, समझो एक सूटकेस पैसा जाता था तब एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। क्यों? क्योंकि उसका मुद्रा का अमूल्यन इतना हो गया, इतना मुद्रा गिर गई उसकी। तो अभी मैं इस चीज़ें समझाऊंगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप समझोगे हर बात को। तो हम थे कहाँ पे, हम यहाँ पे थे कि कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों ने कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई कि भारतीयों के उद्योगों से चीज़ें नहीं खरीदी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण से हमारा यहाँ का स्थानीय उद्योग पिछड़ गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जब सारी चीज़ें आप वहीं से खरीदोगे, यानी ज़्यादा चीज़ क्या कर रहे हो, आप इम्पोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा, व्यापार ट्रेड ऑफ बैलेंस, व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारा पैसा तो जा रहा है ना खरीदने में चीजों का, है ना, आ नहीं रहा ना दूसरे तरीके से। भाई आपके पास 100 रुपए हैं और खर्चा 120 रुपए का करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, आप सिर्फ खर्चा ही कर रहे हो, इनकम के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, गरीबों में क्या होता है, गरीब क्या करता है, एक बच्चा पैदा करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा, तो इधर तो खर्चा बढ़ाता जा रहा है ना, हर बच्चे में खर्चा बढ़ रहा है, उधर इनकम का सोर्स नहीं देख रहा, उधर की दिहाड़ी 200 रुपए ही है उसकी, इधर बच्चे के दूध का पैसा बढ़ता जा रहा है ना, हर बच्चे को दूध चाहिए, उधर पैसा बढ़ता जा रहा है, इधर पैसा नहीं बढ़ा रहा, और वो जिंदगी भर गरीब बना रहता है और बच्चों को भी गरीब पैदा करता है और गरीब ही रह जाते हैं वो जिंदगी भर। इसे कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र, क्योंकि उसने कभी इनकम पे काम ही नहीं किया, काम कहाँ किया, खर्चा बढ़ाने पे। उसकी सोच ये थी कि बच्चे ज़्यादा पैदा कर दूंगा तो शायद मेरा हाथ बटा लें, तो हाथ ऐसे नहीं बटता है। ठीक है, क्योंकि आपने उनको एक लेबर बना के रख दिया, वो भी 200 ही कमाएगा कल के दिन, 200 से ज़्यादा की उसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि आपने उसको स्किल नहीं दिया। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में चीज़ों को समझना। तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की, खरीदी वहाँ से, और जब ज़्यादा चीज़ें खरीदी तो क्या हुआ, व्यापार संतुलन नकारात्मक हो गया, अंग्रेजों के द्वारा व्यापार संतुलन नकारात्मक कर दिया गया, वस्तुओं का आयात अधिक हो गया, निर्यात कम हो गया। एक ये भी बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है, जैसे चाइना से हम ज़्यादा आयात करते हैं, निर्यात कितना करते हैं, कुछ नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, जाएगा भी हमारा प्रोडक्ट तो जाए, वहाँ प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाएगा, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ता है, उनका प्रोडक्ट तकनीकी तौर पे ज़्यादा अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं, कोई दम दराज नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप लोग आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ मैं, आज 4 घंटे लग जाएँ, 8 घंटे लग जाएँ, लेकिन बैठेंगे आप लोग, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं भी देखिए सोया नहीं हूँ 2 दिन से, इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप लोग मेरा साथ दें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट,
अगला है विदेशी मुद्रा दरों पे हेर फेर कर दी इन्होंने, एक्सचेंज रेट जो मैंने जो कोई आपको पहले बताया रुपए और पाउंड स्टर्लिंग में, इन्होंने जो एक्सचेंज रेट था रुपए की वैल्यू बढ़ा दी और पाउंड स्टर्लिंग को कम कर दिया उसकी तुलना में, जिसके कारण से इम्पैक्ट क्या हुआ, उनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया। ठीक है भाई, रुपये की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ जाएगा ब्रिटेन में तो महंगा हो जाएगा, महंगा होगा प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है इकोनॉमी में किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है तो कुछ मत करो। तीन चार चीज़ें अभी बताऊंगा मैं, आप चाइना को बर्बाद करने की तीन चार तकनीकी हैं, उन्हीं तरीकों से आप बर्बाद कर सकते हैं, बाकी कोई तकनीकी नहीं है, आप चाह लें तो नहीं हो सकता, बताऊंगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश प्रशासन के खर्चों को वहन करने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रिटेन का कोई भी खर्चा होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी, कैसे, कौन कौन सा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी, पहले यदि वो कोई टैक्स ऋण लेते थे, यदि वो कोई लोन लेते थे तो लोन का ब्याज भारत सरकार देती थी, है ना, लोन आप लीजिए ब्याज मैं भरूं, है ना, ये कहां की बात है। तो पहला तो ये उन्होंने एक जबरदस्ती थोपी, दूसरा जितनी भी उनकी अदायगी होती थी, जैसे अभी क्या होता है भारत सरकार यदि कोई लोन लेती है तो वो लोन भारत की संचित निधि, है ना, भारत की जो जितना भी पैसा आपका टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहा है वो एक फंड में जाकर के इकट्ठा हो रहा है, उसको भारत की संचित निधि कहते हैं, तो संचित निधि में जाकर इकट्ठा होता है, तो जब ब्याज गवर्नमेंट लेती है, फ्रांस से ले रही है, जापान से ले रही, किसी से भी ले रही है, तो उसको गारंटी देती है कि पैसा आपका भारत की संचित निधि से जाएगा। तो इंग्लैंड वाले जब किसी से पैसा लेते थे तो कहते थे कि भारत में मेरा इतना बड़ा फंड हमारा बना हुआ है, वहां से बहुत टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, उससे पूरा का पूरा लोन जाएगा। तो जितनी अदायगी होती थी भारत से, भारत के ऊपर होती थी, जितने पेंशन होते थे इनके, भारत सरकार वहन करती थी उन पेंशनों का खर्चा, है ना, यानी बुढ़ापा इनका कटवाती थी। सामान की खरीद पर जो व्यय होता था भारत सरकार देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए भारत सरकार ने उस खर्चे को वहन किया, चाहे वो आंग्ल मैसूर युद्ध, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध, चाहे बंगाल के किए हुए युद्ध, सब पैसों का खर्चों का वहन भारत सरकार के द्वारा किए गए। सेना के खर्चों का बोझ भारत सरकार ने उठाया। इसके अलावा भारत इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम लाइनों का खर्च भारत सरकार ने उठाया। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का खर्च भारत सरकार ने उठाया। ठीक है, प्रत्यक्ष लूटमार की नीति अपना ली, सारा का सारा पैसा यहाँ से किसी भी रूप में कैसे भी करके, चोरी करके, डकैती डाल के, उपहार के माध्यम से कैसे करके भारत सरकार, तब बैठे हैं हम लोग आज इस कंडीशन में, है ना। तो वो सारी चीज़ें अंग्रेजों की देन है, ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन क्या अंग्रेजों ने भारत में सिर्फ दुर्गति की भारत की, वास्तव में इनके सोच हमेशा दुर्गति करने की ही रही, कभी भी इन्होंने सोचा नहीं कि भारत की दुर्गति ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी रही जिसके कारण से, चाहे इनका कल्चरल इम्पैक्ट रहा हो, चाहे इनकी पॉलिसी रही हो, जिसके कारण से भारत में कुछ बेहतर भी हुआ है, हर चीज़ निगेटिव नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार की कुछ रचनात्मक भूमिका है, पहली रचनात्मक भूमिका, भारत का जो परंपरागत रूढ़िगत समाज था उसको तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो परंपरागत रूढ़ियाँ थीं, चाहे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, शिशु वध, नर बलि प्रथा, क्योंकि इसी के कारण भारतीय समाज बहुत पीछे था, है ना, युद्ध होते थे लगता था ईश्वर है, ईश्वर संभालेगा, ईश्वर करेगा, हम क्यों लड़ें, चाहे जहाँ के आक्रमण, सोमनाथ का आक्रमण हुआ तो यही सोच हमारे अंदर थी, तो बहुत बार तो हम ऐसी चीज़ों पे थे जो पारलौकिक चीज़ें थी उन पे आश्रित रहते थे, या बहुत सारी रूढ़ियाँ, हम भाग्यवादी नज़रिए के लोग थे, भारत में 99% लोग जो है भाग्यवादी नज़रिए से आज भी जी रहे हैं, उनको लगता है सब ईश्वर की देन है, ईश्वर कर रहा है, प्रकृति पे इतना विश्वास था हम पे, तो वो सारी चीज़ें अंग्रेजों के आने के बाद जो है पुरातन व्यवस्था का विनाश हो गया। ठीक है, और पुरातन व्यवस्था का विनाश करके इन्होंने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे, जो यहाँ के ग्रोथ को रोक के रखा हुआ था, जो यहाँ की दबी कुचली सोच थी उसको ख़त्म करने का काम किसने किया, अंग्रेजों की इस सिस्टम ने किया। ठीक है, उनके कल्चर ने किया। तो यहाँ पे जाति प्रथा, जाति प्रथा समझो कितनी भेदभावकारी, 70% आबादी को अछूत बना दिया आपने, उसके सारे अधिकार छीन लिए, है ना। मुझे याद है जब बहुत पुरानी बात है, मैं अपने नाना नानी के घर जाता था तो वहाँ पे जब कुआं होता था तो कुआं में वो लोग आके बैठे हुआ होते थे कुआं के पास, और जो ठाकुर जाति के लोग या ब्राह्मण जाति के लोग या वैश्य जाति के लोग, वो लोग जब कुएं से उनको डाल दिया एक बाल्टी पानी तो डाल दिया, नहीं तो बैठे हैं पूरा पूरा दिन बैठे रह जाते थे, खुन्नस खा गए तो पानी ही नहीं दिया, उनकी हिम्मत नहीं होती थी और चढ़ भी नहीं सकते थे, और जब वो जाते थे धोखे से टच हो जाता था तो पूरा का पूरा कुआं धुलना पड़ता था।
और इतना पैसा भी नहीं होता था उनके पास कि कुआं खुदवा लें, तो ऐसी कंडीशंस आपने एक वर्क की बना के रखी थी, आपके जो आपका डेवलप सिस्टम डेवलप आपके प्राचीन भारत ने किया जो भी किया, तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों ने तोड़ी, ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका इनकी मानी जाएगी। यदि शायद नहीं आते तो हो सकता है कि उस सिस्टम को हम धो रहे होते आज भी। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, शिक्षा की अंग्रेजी पद्धति ला दी, ठीक है। तो पहले हमको नहीं समझ में आता था कि गुलामी क्या है, ये सब क्या है, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते थे। बाद में अंग्रेजी हम भी सीख गए क्योंकि उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी बना दिया। तो जब हम अंग्रेजी सीख गए तो क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ जो देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। एक अंग्रेजों का ये भी योगदान माना जाएगा। दूसरा, रेल व्यवस्था। रेल व्यवस्था जरूर उन्होंने शोषण के लिए बनाया था, लेकिन रेल व्यवस्था ने सारे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। मुझे एक सेकंड में कहीं जाना था तो मैं जा सकता था, आसानी से जा सकता था, कम समय में जा सकता था, ठीक है। तो रेल व्यवस्था ने क्या किया, सारे देश को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांटा। रेलवे का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये निकल के आता है। अगला, अंग्रेजों ने कुशल तथा आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना की, इसके कारण भी कम्युनिकेशन जो गैप है वो कम हुआ, ठीक है। गांव और शहरों में या दूर दूर तक गोभी कम्युनिकेट करना था, प्रिंटिंग प्रेस आ गए, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से समाचार पत्रों से विचारों को, मेरा विचार है 1,00,000 प्रतियों में छप गया, 1,00,000 लोग पढ़ रहे हैं, तो कितनी जल्दी से फैल गया मेरा विचार, है ना। टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट हो गया, उसमें 2,00,000 लोग देख रहे हैं, तो कितनी आसानी से मेरे पूरे विचार चले गए। तो अंग्रेजों के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया, अंग्रेजों ने कुशल तथा आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना की। दूसरा क्या किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम की सहायता से भारत में उत्पादन की नई प्रणाली का आगमन हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने भारत में पूंजी लगा करके नए नए उपक्रम लगाने शुरू किए, इन्वेस्ट करना चालू किया, भारत में एक नई प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, इससे क्या हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, ठीक है। एक नई प्रकार की कैपिटल व्यवस्था डेवलप हुई जिसको औद्योगिक पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बल मिला, हम पहली बार उद्योग सेक्टर के महत्व को समझ पाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ब्रिटिश पूंजी के आगमन से भारत को आधुनिक साज सामान, तकनीकी, ये सारी चीज़ें भी आसानी से मिलनी चालू हो गई या इनकी जानकारी मिलना चालू हो गई। इसके अलावा जो भारत का पूंजीपति था, जब ब्रिटिशर्स बाहर का आदमी आके भारत में निवेश कर रहा था, तो भारत के भी पूंजीपति प्रोत्साहित हुए कि भारत में निवेश हम भी करेंगे, तो एक इसका भी सही इम्पैक्ट निकल के आता है। तीसरा, भारत में आधुनिक आज बैंकिंग व्यवस्था देख रहे हैं, बीमा देख रहे हैं या निवेश करना देख रहे हैं, वित्त व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजों ने ही ये सिस्टम डेवलप किए, नहीं पहले हमारे यहाँ पे गैर संस्थागत स्रोत थे, जैसे साहूकार, जैसे मैं सगे संबंध, अभी आपको पता होगा आपके फादर अपने संबंधियों से पैसे ले लेते हैं, और वो संबंधी ऐसे नहीं देता कि भाई चलो कोई बात नहीं सोशल वर्क है, वो 10% 20% की ब्याज पे देता है, साहूकार से पैसे लेते हैं, आनन फानन में पड़ोसी से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने सगे संबंधी पड़ोसी सब होते हैं, ये सब बड़ी उच्च दरों पर आपको ब्याज देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अंग्रेजों ने कम से कम एक संस्थागत ढांचा बनाया यहाँ पे फाइनेंस का, वित्त का। तो आप इतने पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं, हर चीज में हम नेगेटिव नहीं रह सकते, ठीक है। ये इनके सकारात्मक हैं, पहले जो मैंने बताया वो नकारात्मक पॉइंट थे। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ रहे हो, हाँ समझते जाइएगा, बहुत जरूरी है समझना। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने खराब क्या किया, विनाश क्या किया हमारे देश का, ये हुई रचनात्मक भूमिका, अंग्रेजों की विनाशात्मक भूमिका। सबसे पहली बात, हमारी पर कैपिटा इनकम नील बटे सन्नाटा, ठीक है। कुछ लोग पास थी, कुछ लोग पास थी भी नहीं उनको, क्योंकि पहली बात तो ये कभी भी इन्होंने कोई एक डाटा नहीं बनाया, डेटाबेस इसलिए नहीं बनाते थे ताकि कभी पोल ना खुले, कोई कागजों में भारत के किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को नहीं रखा गया। तो पहला प्रयास एक भारतीय को ही करना पड़ा, भारतीय ने एक पुस्तक लिखी, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल नहीं लिखा उन्होंने, अन ब्रिटिश रूल, यानी भारत में अंग्रेजों का शासन है नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो हमने ब्रिटेन में देखे हैं, वो है अंग्रेज, जो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जो सबके डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो तो यहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ तो शोषणकारी लोग दिख रहे हैं। तो अन ब्रिटिश रूल के तौर पे उन्होंने एक बुक लिखी, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें जो है पर कैपिटा इनकम 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक थी, ये कंडीशन थी, 20 रुपये। यदि आप एक महीने का निकल के आओगे तो 1.5 रुपया भी नहीं निकलेगा, कि एक महीने में 1.5 रुपया भी हम कमा रहे थे। तो आपका 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक ये निकल के आया। कुल राष्ट्रीय आय जो भारत की थी वो केवल 340 करोड़ रुपए थी 1867-68 में दादाभाई नौरोजी ने, अभी डेटा उन्होंने जितनी भी कोशिश की उस आधार पर निकला था, यदि और सही से कोशिश करते तो और बुरी हालत होती।
इसके बाद गरीबी का विस्तार हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई। अच्छा, गतिहीन गतिहीन एक शब्द है, स्टैगनेस बोलते हैं इसको, गतिहीनता। जब इकोनॉमी अभी कभी ऐसी कंडीशन में आ जाए कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय ना बढ़े, जब इकोनॉमी उस कंडीशन में आ जाए कि पर कैपिटा इनकम रुक जाए, आपकी इतनी है इतनी ही बनी रहे, इसको स्टैगनेस बोलते हैं। समझ रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई, यहाँ पर व्यक्ति आय बढ़ी नहीं रही थी और घट रही थी। 12 ये तो 20 रुपए दादा भाई नौरोजी ने कहा, 1923 में 12 रुपए हो गई और कम हो गई, कम होती जा रही थी। एक होता बढ़ने का, यहाँ पे घट रही थी, तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे। अगला क्या हुआ, कृषि उत्पादन और खाद्यान्न उपलब्धता निम्न स्तर पे हो गए। खाद्य आप चूंकि इकट्ठा बना ही नहीं सकते, तो भैया आ गई बाढ़ तो निपट जाइए सब लोग, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, कोई खाद्य सुरक्षा नहीं, कोई जीवन स्तर नहीं, कुछ नहीं। तो बड़े स्तर पे अकाल आते थे, महामारियां आते थे, लोग निपट जाते थे, कुछ नहीं होता था। और क्या करते थे, इन्होंने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था डेवलप कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लगान के लिए। अब टैक्स वसूलना था ना इनको, तो भारत में टैक्स सिस्टम क्या बनाए, कलेक्शन के लिए क्या डेवलप कर गए, तो इन्होंने 3 प्रकार के सिस्टम्स बनाए। पहला था जमींदारी, दूसरा था महलवाड़ी और तीसरा था रैयतवाड़ी। ठीक है, अब देखिए समझो कितना गंदा सिस्टम रहा होगा, ये जमीन मेरी थी, इस जमीन को एक नीलामी, इस जमीन का नीलाम कर दिया गया, जमींदार को दे दिया गया, मालिक दूसरे को बना दिया गया, अपनी जमीन में मैं मजदूर बन गया। जमींदारी सिस्टम इतना शोषणकारी था, जमींदार को बाध्य कर दिया गया कि सूर्यास्त होते एक डेट दे दी जाती थी और बोल दिया जाता था कि सूर्यास्त होने से पहले टैक्स जमा कर देना, नहीं तो क्या होगा, जमींदारी आपकी नीलाम हो जाएगी, दूसरे को दे देंगे। और उससे मैं नहीं फिरता अंग्रेजों का भाई, नीलामी के द्वारा और पैसा मिलता था और दूसरा व्यक्ति फिर कमा के देता था, तो जमींदार अपने लठैतों के साथ जाता था और आपसे जबरदस्ती टैक्स लेता था क्योंकि उसको अपनी जमींदारी बचानी थी, और 10/11 हिस्सा खुद लेते थे 1/11। तो जमींदारी व्यवस्था में तो ऐसा था कि टैक्स की दर ही निर्धारित नहीं थी, बताओ कितना भी ले, जो टोटल कलेक्शन हुआ उसका 1/11 उसके पास रह जाएगा, 10/11 इधर आ जाएगा। ये कंडीशन इन्होंने क्रिएट की उस समय पे, और तभी तो भारत की आज़ादी के बाद जो आज देख रहे हो नक्सलवादी गतिविधि, दुनिया भर की गतिविधियाँ इन्हीं की देन। अब क्या करे भारत सरकार, कैसे हैंडल करे वो खुद नहीं समझ पा रही है, भूमि सुधार फेल हो गए भारत में। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये बड़े दिमाग सोचिएगा, ये प्रीलिम्स में भी आएगा और जितने भी जो भी एग्जाम है उनमें भी, सब में इम्पॉर्टेंट है। तो नई भूमि व्यवस्था लगान हेतु डेवलप की गई, ठीक है, इसमें जमींदारी महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सबसे पहले जमींदारी देखते हैं, जमींदारी व्यवस्था लेकर आया लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, उससे पहले था वारेन हेस्टिंग, उसके समय पे इजारेदारी व्यवस्था थी, 1 साल की, पहले 5 साल की व्यवस्था बनाया फिर 1 साल का कर दिया उसको, ठीक है, और नीलामी के द्वारा ही चीज़ों को उसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉर्ड कार्नवालिस ने, अब ये कहाँ कहाँ पे इसको डेवलप किया, कहाँ कहाँ लगाया, जगह का नाम देखिए, पहला इसने बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है, बंगाल वाले, बंगाल प्रेसिडेंसी थी पूरी, बंगाल वाले क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था, याद करिएगा ये सब, ये पूछेगा कि कहाँ कहाँ जमींदारी व्यवस्था थी बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा उत्तर प्रदेश में भी थी, उत्तर प्रदेश में कहाँ थी, बनारस वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के गाँव में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा, मद्रास में ज़्यादातर रैयतवाड़ी थी, मद्रास वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी लेकिन कुछ हिस्से में मद्रास के जमींदारी भी थी। तो साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा दिख रहा है लेकिन ज़्यादातर यही दिख रहा है नॉर्थ इंडिया का, ये ईस्ट वाला एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं थी, अवध और आगरा वाले क्षेत्र में महलवाड़ी थी, यहाँ पर आपकी जमींदारी है। ठीक है, तो ये आपका डेवलप किया, इसके तहत क्या था, 10/11 अंग्रेजों को जाता था और 1/11 जमींदार को जाता था, जमींदार ही भूस्वामी होता था, मालिक इसका जमींदार हुआ करता था। ठीक है, इसमें डेवलप करने का काम करवाया जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर ने, इन दोनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, कार्नवालिस ने सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट की मदद से ये व्यवस्था डेवलप कराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के 19% क्षेत्र में ये लागू थी। ठीक है, इसी व्यवस्था को हम इस्तेमरारी कहते हैं, 20 बेदारी कहते हैं, जागीरदारी कहते हैं। ठीक है, मुझे कोई पूछ रहा था कि जमींदारी और जागीरदारी क्या है, एक ही है, इसके नाम है मालगुजारी कहते हैं, 3-4 नाम है इसके। ठीक है, आगे नेक्स्ट महलवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था आपका 1922 में आया,
जब देखा कि जमींदारी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रहा है तो दूसरी जगह दूसरा प्रयोग किया। महलवाड़ी में जमींदारी में तो मकान इसका जो मालिक होता था वो जमींदार होता था, महलवाड़ी में जो मालिक होता था पूरा गांव समुदाय होता था। महल का मतलब गांव होता है, पूरे गांव के लोग, गांव समुदाय जो होता था वो मालिक होता था पूरी जमीन का। यदि जमीन का एक टुकड़ा है उसका मालिकाना पूरे गांव के पास होता था और पूरे टैक्स का कलेक्शन करके इकट्ठा भेज देते थे वो। तो कम से कम यहाँ पे ये था कि मालिकाना हक बदल गया। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था? आगरा वाले क्षेत्र में, अवध वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में और मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत बोलते थे पहले उसे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ लागू थी। पंजाब, आगरा, अवध उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश, यूपी वाले ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट है भूमि का स्वामित्व सामूहिक तौर पर ग्राम समुदाय में था और भारत के 30% क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू थी। 19% में जमींदारी, 30% में ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब ब्रिटेन वाले अंग्रेजों का भारत था उसकी बात। ठीक है, और इसको डेवलप किया हॉल्ट मैकेंजी ने। सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी नामक पर्सन थे, उनके द्वारा डेवलप किया गया। और देखा जाए ओवरऑल तो ये इस समय तो आपके विलियम बेंटिंग आ जाते हैं, उनके टाइम पीरियड पे बड़े स्तर पे डेवलप हुई महलवाड़ी। आगे बढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयत का मतलब किसान, यानी कि जमीन का मालिक किसान खुद होगा। थोड़ा सा आपको सुकून लग रहा होगा कि चलो मालिकाना हक किसान के पास आ गया, तो जमीन का मालिक कर दिया किसान को। ठीक है, और ये व्यवस्था ज़्यादातर साउथ इंडिया में ज़्यादा थी। साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु से ही चालू हुई थी ये। 1775 में दो पर्सन थे, मुनरो और रीड, है ना, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु का 12 महल जिला है, 12 महल जिला में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था डेवलप की गई। इसमें स्वामित्व किसान के पास होता है। कहाँ कहाँ लगी थी ये? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, पूर्वी पंजाब, थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा भी है असम का, असम का कुर्ग वाला क्षेत्र, वहाँ पे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, और 1795 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको प्रारंभ किया था। भूस्वामी किसान होता है और भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी है। कितने प्रतिशत में? ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी थी फिर? रैयतवाड़ी। सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, फिर जमींदारी परसेंटेज के हिसाब से। तीनों शोषणकारी थी। अभी आगे जब मैं कृषि पढ़ाऊंगा तो मैं इसका जिक्र फिर से उठाऊंगा। यहाँ पे चूंकि मैं अंग्रेजों की विनाशक भूमिका बता रहा हूँ तो ये विनाश था। नए प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम, नए प्रकार का राजस्व उगाही सिस्टम डेवलप करके ये एक विनाश था भारत के लिए और आज भी इसका दंश हम झेल रहे हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद लगाए गए लेकिन आज भी असफल सिद्ध हो गए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट की गई, ये भी विनाशात्मक भूमिका में आएगी। आगे क्या किया उन्होंने? उन्होंने सिंचाई और लोक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा की। उनसे कोई लेना देना था अंग्रेजों से कि यहाँ पे कृषि बर्बाद हो रही, कुछ हो रही है। सिंचाई, आज भी सिंचाई की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आज भी भारत की कृषि मानसून पर आधारित है। बरसा पानी तो खेती हो गई, नहीं बरसा पानी, है ना। अभी आपको शायद पता हो पूरा बिहार में बड़े स्तर पे धान की खेती होती है लेकिन जिस प्रकार से बाढ़ आई इस बार की पूरी धान की फसल चौपट है। वहाँ के लोगों ने छोड़ दिया कि इस बार फसल नहीं करेंगे हम, धान की कैसे कर लें। तो भारत में जो अतिवृष्टि या अनावृष्टि की स्थिति आ जाए या अल्पवृष्टि की स्थिति आ जाए तो भारत जैसे देश में खेती संभव नहीं है। क्यों? आज भी अभी भी हम उन्हीं रिसोर्सेज पे डेवलप हैं, अभी उस पे बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? ओवरऑल सिंचाई और लोक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा की इन्होंने। दस्तकारी हस्तशिल्प का विनाश किया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, मुक्त व्यापार नीति ले आ गए। मुक्त व्यापार नीति क्या होती है? लेसेस फेयर का सिद्धांत। एक पर्सन थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, नाम सुना होगा आपने, वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखी इन्होंने और इस पुस्तक में इन्होंने एक सिद्धांत दिया लेसेस फेयर का, हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, इसी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। आगे अभी मैं पूंजीवादी जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। मुक्त व्यापार नीति का मतलब है कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना। आप हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, हम आपके यहाँ करेंगे, लेकिन आप खुद समझिए आपका प्रोडक्ट सस्ता है, आपके प्रोडक्ट में टैक्स भी नहीं लग रहा है तो आपका प्रोडक्ट और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने सिस्टम क्या बनाया, भारत में आयात कर को कम कर दिया, निर्यात कर को ज़्यादा बढ़ा दिया। आयात कर, चूंकि आयात इंग्लैंड से होता था तो यहाँ पे आता था, टैक्स कम होता था कस्टम ड्यूटी आयात की, तो जब आयात की कस्टम तो आयात और सस्ता हो जाता था माल। भारत से चीज़ें निर्यात होती थी तो उनको क्या कर देते थे, जो भी भारत का बना हुआ प्रोडक्ट है वो किसी और देश में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा बिकने, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, वहाँ और महंगा हो जाता था, जिसके कारण से हमारा सामान वहाँ की बाजारों में बिकता ही नहीं था।
और अंदर की बाजारों में भी वही हालत था, क्योंकि इंग्लैंड का सामान सस्ता पड़ता था और अच्छा पड़ता था। तो हम क्या करते थे उसी को, जैसे आज चाइना आप खरीद रहे हो खूब दबा के, आज आपको कोई नहीं पड़ी कि भारत का माइक्रोमैक्स भी कोई मोबाइल होता है, कोई लेन, क्यों? क्योंकि आप क्यों क्वालिटी से परहेज करोगे? आपको ओप्पो वीवो इतना अच्छा सेल्फी कैमरा दे रहे हैं, क्यों लोगे आप किसी का दूसरा कैमरा? तो मुद्दा यह है कि आप भारतीय व्यापार का, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा माइक्रोमैक्स नहीं कर पाएगा, वो टेक्नोलॉजी माइक्रोमैक्स के पास नहीं आएगी। क्यों? नहीं है पूंजी, नहीं है निवेश, नहीं है इनपुट, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही कम है उसकी, तो क्यों करेगा, क्यों प्रोत्साहित? तो मुद्दा यह है कि भारतीय व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे, ठीक है? तो ये इनके द्वारा विभेदात्मक सीमा शुल्क लगाया गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऐसी लगाई गई जो भारतीयों के पक्ष में ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, धन का बहिर्गमन हो गया, पैसा हमारा ड्रेनेड वेल्थ हो गया, यहां का पैसा है ना, बादल यहां बनते थे और बरसते कहां थे, इंग्लैंड में जाकर के, जितना पानी है टेम्स नदी में जाकर बरस जाता था, गंगा नदी का पानी पूरा इधर उधर हुआ है। तो ये क्या है, जॉन सुल्विन ने कहा ये बात, ठीक है? तो अंग्रेजों ने ही कही ये बात कि ऐसा ऐसा हमने किया है, इसे एक्सेप्ट भी किया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम इन महापुरुषों ने किया है, ये जो आए, और इस कारण से हमारी इकोनॉमिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, आज की अर्थव्यवस्था, अब इसकी क्या स्थिति है? एक तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, इतना बड़ा देश, इतने समय से इतना अच्छा देश होने के बाद भी भारत भी आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी के बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं बताऊंगा। निम्न प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी का स्तर बहुत कम है, यहाँ का सामाजिक आर्थिक पोषण स्तर अच्छा नहीं है, इस कारण से हम विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे यहाँ की चीज़ें अभी बेहतर नहीं है, लोग पेट में खाना ही खा पाते तो इलाज क्या कराएंगे। भारत में लोग बीमार होते हैं, पता क्या मेंटेलिटी होती है, भारत के लोग बीमार के बाद हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो झेलते हैं 4, 6, 8, 10 दिन, है ना, वो चाहते हैं कि 10 रुपए की खुराक की गोली में सही हो जाए, वो मजबूरी में हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर बड़ा खर्चा होगा। क्यों? मजबूरी, खाने के लिए पैसा नहीं तो इलाज कौन कराएगा, तो 10 रुपए की गोली में सही कराता है, फिर और बीमार होता है, फिर और बीमार होने के बाद फिर अस्पताल जाता है, फिर डॉक्टर अच्छे से बिल बनाता है, सारे टेस्ट लिखता है, ठीक है? तो भारत में जब ये कंडीशन है, तो निम्न विकासशील अर्थव्यवस्था है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, पूंजी नहीं है हमारे यहाँ पे, क्यों FDI? मोदी जी क्यों चिल्ला रहे हैं FDI लाओ, बाहर से पैसा लाओ, दुनिया भर के देशों में जाके मांग रहे हैं कि भाई साहब भारत में वैसे आइए, मेक इन इंडिया कीजिए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। सिलिकॉन वैली पे जाकर के मार्क जुकरबर्ग से मिल रहे हैं कि भैया एक तो हमारे यहाँ भी लगा दो, इतने फेसबुक यूजर भारत में है ना, वहीं से संचालन कर रहे हो, चाइना संचालन हो रहा है, एप्पल से कह रहे हैं भैया यहीं बनाओ, इतने फोन हम भिजवा रहे हैं आपके। तो ये क्या है, पूंजी का अभाव है, पूंजी नहीं है हमारे पास पे, कोई इन्वेस्टर ही नहीं है। क्यों? इन्वेस्टर बहुत सारे रीजन है, दुनिया भर से हम इन्वेस्टर्स बुला के लाते हैं, दुनिया भर की समिट होती है, तो भारत में सब अंग्रेजों के कारण है। देखो, पूंजी का अभाव है, बेरोजगारी जिसके कारण से लोग बेरोजगार हैं, भारत के बड़ी स्तर की बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ रोजगार कौन दे रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। कब तक देता रहेगा रोजगार? कब तक भारतीय लोग केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ही रोजगार के लिए आस लगाए बैठे रहेंगे? नहीं हो पाएगी पूर्ति कभी भी, आपको उद्योग में जाना ही पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के भारत की बेरोजगारी खत्म होगी। तो बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, कृषि की प्रधानता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ पे बड़ा डेवलप है, लेकिन वो भी बोझ बन गया है। अब अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है, वहां पे काम एक आदमी का है, लगे 15 हैं, यह भी बड़ी समस्या है ना। एक आदमी को पानी सींचने में, एक आदमी को पैप पकड़ के पानी सींचना है, 4 टार्च दिखाने जा रहे हैं, तो जो 4 लगे हुए हैं वो बेकार है, वो टाइम पास करने जा रहे हैं, तो ये बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है ये। तो भारत में क्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कृषि की प्रधानता है, कृषि में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है ना, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पर संपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण है। हमारे यहाँ पे जो पता चला, किसी के पास बीघाओं जमीन है, भूमिहार है वो, और किसी के पास 2-1 गज जमीन नहीं है, पड़ा है वो, है ना, तभी जा करके अब सबके लिए आवास योजना, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, लोग झुग्गियों में पड़े हैं, लोग डिवाइडर्स में पड़ के सो के अपनी नींद पूरी करते हैं, ये कंडीशन है किसी के साथ। तो भारत में परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण यानी धन का केंद्रीकरण हो गया। इसके बाद निम्न स्तर की तकनीकी, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, अभी भी कम है, वास्तव में बहुत मामलों में तकनीकी तौर पे भारत बहुत पिछड़ा देश अभी भी है। इसके अलावा भारत की औसत भारतीय का निम्न जीवन स्तर अच्छा नहीं है, हम बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं, हम कंप्रोमाइज में जीते हैं, हम अपनी मन की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हमारे दुनिया भर के मन होते हैं, हम उनको भगवान भाग्यवादी नजरिया कि मेरे किस्मत में यही है दबा देते हैं। तो भारत में निम्न जीवन स्तर है, जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उद्योगों का पिछड़ापन है,
उद्योग पिछड़े हुए हैं भारत में, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाए, हम सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में कूद गए। भारत में सर्विस सेक्टर में आज देखिए हम कितने बड़े है ना, लेकिन हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए, वो है ही नहीं। परंपरावादी समाज आज भी है, आज भी लोग परंपरावादी हैं, यहाँ के सोच प्रोग्रेसिव नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लगे रहते हैं, बात बात पे मुकदमेबाजी कर देते हैं, तो अपना टाइम वहीं पे, क्या किसी के ऊपर मुकदमा कर दूंगा तो वहां से मुझे पैसा मिलेगा कि पैसा जाएगा, तो प्रोडक्टिव हुआ कि नॉन प्रोडक्टिव हुआ। यदि कोई भी काम करो जिस एक्टिविटी से पैसा नहीं आए, जैसे आप घर पे महिलाएं घर पे खूब बर्तन धोएं, खूब झाड़ू लगाएं, खूब कपड़े धोएं, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनका, कोई मूल्य है उनके पैसे का, नहीं है ना। तो अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक काम कर रही हैं, अनुत्पादक काम में आप एक व्यक्ति को फंसाए पड़े हुए हो, उसको बस चूढ़ा चौकन में लगाए हुए हो, ऐसा बेहतर क्या होता है वो कहीं बाहर जाती जॉब करने, घर का काम के लिए किसी दूसरी महिला को लगाती तो दो प्रोडक्टिव हो जाते, दूसरी को रोजगार मिलता और वो कहीं जाके रोजगार करती, तो प्रोडक्टिविटी इसे कहते हैं, ये नहीं कि पड़े हुए हैं घर पे काम कर रहे हैं। तो ये सोच परंपरावादी समाज ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे यहाँ पे 90% काम, कोई मर गया मृतक भोज कराओ, है ना, मरने पे खाना खिलाओ, तो मुद्दा ये है कि अब उसके लिए कर्जा लो। आज को जानते 13वीं करने के लिए लाखों रुपए आदमी लेता है, फिर वो जिंदगी में कर्जा भरता रहता है पिताजी की 13वीं का, गांव में बहुत बुरी समस्या है और नहीं खिलाओ। तो ऐसा परंपरावादी समाज है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें लोग ऐसे लेकर के फंड लेकर लोन ले करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, जिसके कारण से समाज हमारा आज भी गरीब बना हुआ है। परिवहन साधनों का अभाव, आज भी उतने परिवहन साधन नहीं है हमारे देश में, देखिए रेलवे में क्या हालत है या किसी भी सेक्टर में क्या हालत है, बाजार अपूर्ण है अभी हमारे यहाँ पे, आर्थिक कुचक्रों पर जोर है। तो ये सारी कंडीशंस भारतीय अर्थव्यवस्था की आज आप देखने पाते हो, इनकी सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेजों की रही, ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे हम आते हैं, अब घुसता हूँ मैं इकोनॉमी के अंदर। ये तो बात रही पुराने इतिहास की कि पुरानी हिस्ट्री कैसी रही, अब बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की, ठीक है। आर्थिक प्रणाली क्या चीज़ें हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है, खूब पढ़ा है आपने, खूब पता है आपको, नो डाउट, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको चीज़ें लेके चलूँ। आर्थिक व्यवस्था क्या है, पहली बात आर्थिक प्रणाली क्या है, आर्थिक प्रणाली के द्वारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का निदान किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली उस देश की सभी प्रॉब्लम्स को हल करती है, ये ध्यान के रखिए। यदि मेरे देश की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक सिस्टम पूंजीवादी हो जाए तो हो सकता है मेरे देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हो सकता है पूंजीवादी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे अपने देश के इकोनॉमिक सेक्टर को समझना पड़ेगा फिर मैं उस प्रणाली को अपनाऊंगा। जैसे अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना रखा है, रसिया ने साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना रखा है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखा है, दोनों को साथ लेकर चल रहा है, ठीक है। सबके अच्छाइयाँ हैं, सबकी बुराइयाँ हैं, ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ इतनी बुरी है, तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक प्रणालियां तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सिंपल और आसान भाषा में समझो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, अर्थव्यवस्था पर सरकार का रोल न्यूनतम होता है और सरकार सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर की भूमिका में होती है। सरकार इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, विनियामक करती है, विनियमन, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि बाजार की शक्तियों का प्रभाव होता है। बाजार की दो शक्तियां हैं, मांग एवं आपूर्ति, यानी कीमत बढ़ेगी तो बाजार के कारण बढ़ेगी, ना कि गवर्नमेंट बढ़ाएगी। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता इकोनॉमी में, कोई भी नियंत्रण नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट ऊपर बैठ के ऐसे देखता रहता है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पे काम करती है, लेसेस फेयर के सिद्धांत पे काम करती है, जिसके तहत राज्य अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार से कंट्रोल न करके सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करता है कि सभी लोग सही से, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे, मैं क्वेश्चन बोलूँ और आप लोग क्वेश्चन लिखें, मैं सिर्फ एक यहाँ पर खड़े होकर के एक परीक्षक के नाते सिर्फ देख रहा हूँ कि सब लोग अच्छे से पेपर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये भूमिका मेरी है। मैं यानी कि आप लोगों को रेगुलेट कर रहा हूँ, कोई नकल तो नहीं कर रहा, कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, है ना। तो मैं रेगुलेट कर रहा हूँ, ना कि आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करना अलग होता है, रेगुलेट करना अलग होता है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, बीमा सेक्टर के IRDA का नाम सुना होगा आपने, एक IRDA बॉडी बनी हुई है बीमा सेक्टर के लिए, बैंकों के लिए RBI बनी हुई है, रेगुलेटरी बॉडी है, SEBI एक संस्था आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI बनाई गई है, जो आपका जितना टेलीकॉम सेक्टर उसके लिए TRAI बनाई गई है
है ना, ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं भारत में, नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो इनका काम क्या होता है कि ऊपर बैठ करके देखते रहना कि प्रतिस्पर्धा, अब जैसे कि ट्राई है, ट्राई देख रहा है कि जियो ऐसा ना हो जाए कि सबको निपटा दे, तो ऐसी मार्केट बनी रहे कि सब प्रतिस्पर्धी रहे, प्रतिस्पर्धा मोनोपोली नहीं आनी चाहिए इकोनॉमी में किसी की, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सभी लोग अर्थव्यवस्था कर पाए, लेकिन जीतेगा वही जो मांग और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को पूरा कर पाएगा, यानी रेट और कीमत तय करने का काम डिमांड एंड सप्लाई करेगी, ना कि राज्य करेगा। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आसान भाषा में समझिए, संपत्ति एवं निजी लाभ पर आधारित राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, निजी प्राइवेट सेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट उद्योग ज्यादा होते हैं, जैसे अब रेलवे है, रेलवे में भी गवर्नमेंट है पूरा, गवर्नमेंट ने ले रखा है, ठीक है, तो चूंकि भारत में मिश्रित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो केवल, जैसे कि आपका विमानन कंपनियां हैं, जो आपके एयरपोर्ट वगैरह हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है, दोनों है। ठीक है, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है चीजें, तो ये भारत में तो मिश्रित हो गया, लेकिन किसी किसी देश में, यूनाइटेड नेशन वगैरह, अमेरिका वगैरह में सारा कुछ प्राइवेट है, स्कूल सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, बैंक सारे प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, कोई भी गतिविधि होगी प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सब प्राइवेट, कोई SBI नहीं, कोई सरकारी बैंक नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा होना, इसे दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है, जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन क्रिएट कर देता है, लेकिन उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखता है, लेकिन एक चीज़ और है, उपभोक्ता का शोषण भी होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, बड़े स्तर का, गुणवत्ता युक्त चीज़ें जरूर दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, समझते हैं इसको। तो संपत्ति एवं निजी लाभ पर आधारित राजनीतिक प्रणाली, इस प्रणाली में कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति यानी बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र बाजार प्रणाली है, बाजार के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है, स्वतंत्र बाजार प्रणाली है। एक पर्सन थे वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत दिया, और आज जो है USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप में ये व्यवस्था बड़े स्तर पर डेवलप है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट कर रही है चीज़ों को। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि सारी कुछ प्राइवेट, जैसे शिक्षण संस्थान है सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर, सब प्राइवेट, बैंक है सब प्राइवेट, सब कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट सरकारी नहीं, तो इन कंट्रियों में ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हैं, प्राइवेट सेक्टर के निजी हाथ में है। ठीक, गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर से देख रही है, संस्थाएँ बनी हुई हैं ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। दूसरी व्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सरकार का होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये भी गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का मतलब सार्वजनिक, आपका भी, आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, रोड होती है, रोड सार्वजनिक संपत्ति होती है ना, मेरी भी है और आपकी भी है, तो मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबका होता है स्वामित्व पर, सबका बराबर का अधिकार होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं प्राइवेट संपत्ति है। ठीक है, वहां पे सब कुछ सरकार का, आदर्श अवस्था बता रहा हूँ, ये सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, स्कूल गवर्नमेंट के होंगे, कॉलेज गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, सब कुछ A to Z जो भी आप सोच सकते हो सब सरकार का। तो बच्चा जब पैदा होगा तो पैदा होने के बाद सरकार का कर्तव्य भी होगा कि उस बच्चे को पढ़ाए लिखाए सब कुछ कराए, है ना, और बाद में जब बड़ा हो जाए तो उसको सरकारी सर्विस भी दे। भाई कोई भी संस्था, माता पिता पढ़ाते हैं तो 25 साल बाद चिल्लाने लग जाते हैं ना, क्या कर रहे हो, घर में पड़े पड़े खाना नहीं मिलेगा, वैसे ही सरकार पढ़ाएगी सब कुछ करेगी तो बोलेगी ना आपसे कि नहीं बोलेगी, खर्चा उठाएगी तो कहेगी ना, तो वहाँ पे यदि गवर्नमेंट उत्तरदायित्व निभाती है तो उत्तरदायित्व निभाने के बाद वो मांगती भी आपसे, जवाब दे भी लेती है कि भाई अब मैंने पढ़ा दिया लिखा दिया सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारा काम है कि लो ये तुम्हारे लिए काम है, तुम इस योग्य बन पाए हो, इस योग्यता को निभाओ। तो ये रसिया में, सोवियत संघ में, चाइना में काफ़ी हद तक इस तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलती है। सब सरकार का, ठीक है, सारी संपत्ति सार्वजनिक, जैसे भारत में प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे आज़ादी के बाद 1969 में सबको राष्ट्रीय कर दिया, सब सरकारी हो गए, राष्ट्रीयकरण 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बाद में और संख्या बढ़ाते चले गए। तो राष्ट्रीय संपत्ति सबकी होती है, उसमें कोई ये नहीं हो सकता है, प्राइवेट संपत्ति में हो सकता है, मेरा प्राइवेट जेट हो सकता है, मेरा प्राइवेट जो है पार्क हो सकता है, मेरा प्राइवेट सब कुछ, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति वो सबकी है, उसमें कोई नहीं कह सकता है कि पार्क में तुम जाओगे तुम नहीं जाओगे,
ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे रन करती है, इसमें संपत्तियों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है पहली चीज, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी उत्पादन पर सरकार का कंट्रोल होता है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो सरकार के अंतर्गत होगा, सरकार पूरी कृषि सरकार की, किसी की प्राइवेट कृषि नहीं, ये होता है। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, इसमें उत्तर दूंगा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। आगे, कीमतों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण बने होंगे सरकार के, वही कीमतों का निर्धारण करेंगे कि ये चीज इतने की बिकेगी, ये चीज इतने की बिकेगी, यानी सब कौन कर, प्राइवेट सेक्टर में कौन कर रहा था, पूंजीवादी में, बाजार कर रहा था, डिमांड बढ़ेगी चीज सस्ती हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, डिमांड कम होगी चीज सस्ती हो जाएगी, वो तो बाजार करेगा, बाजार के ऊपर है, बाजार प्रतिस्पर्धा है चुकी, यहां पे कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, जो मतलब मैं है, मैं कुछ काम करना चाहूं तो सरकार ने क्या किया, बोला भाई ये क्षेत्र है अब आपको संभालना है, लेकिन मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं मैं उस क्षेत्र में कुछ करूं, क्योंकि वो सरकार निर्धारित करके पूरा प्रोफार्मा मुझे देगी कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना है, तो उद्यमियों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती यहां पे। आगे नेक्स्ट, समाज कल्याण का उद्देश्य होता है, इसका पूरा का काम होता है कि सोशल वेलफेयर करना है, सबकी संपत्ति है यहाँ पे तो सब बराबर, सोशल वेलफेयर, स्टेट तो सोशल वेलफेयर हो गया ना, प्राइवेट संपत्ति होती तो ये होता ये मेरा ये तेरा, इसमें तुम नहीं जा सकते, इसमें तुम नहीं जा सकते, ये काम तुम नहीं करोगे, वहाँ तो सब सबका है, तो इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि सोशल वेलफेयर, तभी हमारी अर्थव्यवस्था भी समाजवादी है, हमारी हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ समाजवादी, लेकिन हमारे यहाँ का समाजवाद थोड़ा अलग है, कैसा है बताऊंगा आगे। तो आगे नेक्स्ट जो है, आगे क्या है, समाज कल्याण का उद्देश्य है, कोई प्रतियोगिता नहीं है यहाँ पे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ सबका है। इसके बाद उपभोक्ता प्रभुसत्ता की अनुपस्थिति होती है, यहाँ पे उपभोक्ता प्रभुसत्ता नहीं होती है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है, संसाधनों का ज़्यादातर उपयोग होता है यहाँ पे, आय तथा धन का समान वितरण होता है, सबकी आय और धन बराबर होती है, इसके अलावा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी दी जाती है, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है। ये रहा आपका समाजवादी सेक्टर, इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरकार की भूमिका की अनुपस्थिति है, अर्थव्यवस्था में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, सब कुछ है। तो एक तरफ सब कुछ सरकार का, यानी सब कुछ सबका, आप भी सरकार के अंग हैं, है ना, पब्लिक सरकार, बिना जनता के सरकार थोड़ी ना चलती है, तो सब कुछ सबका, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, अब दोनों में कौन जीतेगा, इसके लिए बड़ा विचारधारात्मक लड़ाई हुई। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बट गया, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी यूएसएसआर के साथ, दूसरा यूएस के साथ, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा नंबर आया कि अब हम क्या करें, हम किस प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करें। उद्देश्य हमारा ये था कि सबके पास पैसा हो, सबके पास बराबरी के अधिकार हो, सबके पास संपत्ति हो, साझी संपत्ति हो, हम ये उद्देश्य रख रहे थे। तो हमने अपने संविधान में उद्देश्य लिख दिया समाजवादी, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य बड़ा अच्छा लग रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन ये बताइए, सरकार सब कुछ कर पाएगी, सरकार की हिम्मत है कि सबको पढ़ाई दे पाए, सरकार सबको स्वास्थ्य दे पाए, यहाँ सब कुछ प्रशासन के हाथ में ही है, प्रशासन को ही सब कुछ संभालना है, और प्रशासन थोड़ा भी करप्ट निकला तो सब गड़बड़। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं आज जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर भाग इसलिए रही हैं क्योंकि वहां पे प्रशासन ने उनका साथ छोड़ दिया, यही सब कुछ करना सरकारी आदमी को है, सरकारी आदमी कितना काम करता है सब जानते हैं, लोक प्रशासन पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत सारी हानियाँ हैं। हानियाँ क्या क्या हैं यहाँ पे, पहली बात, सबसे पहली हानि है कि लागत की गलत गणना हो जाती है, भाई लोगों को वेलफेयर करना है, चीज़ महंगी भी हुई तो भी सस्ती में बिक रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई तो है नहीं, तो कोई चीज़ जा रही है बस एक ही रेट में जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में चीज़ कम है तो महंगी हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, चीज़ का ज़्यादा है तो वैल्यू घट गई, तो ये यहाँ पे लागत की गलत गणना होती किसी भी चीज़ की। तानाशाही प्रणाली है एक प्रकार की, सरकार बैठी है और अपने हिसाब से चला रही है, उसको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, सोशलिस्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या है, सरकार के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये दोनों सिस्टम आपने देखे, पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ होता है, दूसरा था अब हमारे पास जब आज़ाद हुए तो हमारे पास विकल्प था कि भाई सब कुछ सरकार को सौंप दें, लेकिन सरकार के पास था क्या, क्या था बताइए, विभाजन अलग हो गया था, जैसे विवाह होने के बाद होता है ना कि घर पे बंटवारा हो जाता है,
जैसे विवाह हुआ, घर पे हो गया बंटवारा, एक भाई को कर्जा मिला, दूसरा भाई माला माला माल। तो भारत ऐसा देश था, आज़ादी के बाद हमें कुछ क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कर्जे में थे, पाकिस्तान तक को कुछ लाख रुपए देने थे, है ना, ये कंडीशन थी देश की, नवजात अर्थव्यवस्था थी, कुछ नहीं था हमारे पास। तो भारत को ये था कि भाई हम अकेले काम, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इतने बड़े देश को कैसे चलाऊंगा। तो सरकार ने क्या किया कि एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया जिसमें दोनों मिल के काम कर सके, ठीक है, समाजवादी भी और पूंजीवादी भी। तो हमारे यहाँ पे आ गई मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी स्कूल खोले, सरकार भी खोलेगी, सरकार सस्ता रखेगी, एक रुपए का पर्चा कटवाइए, अस्पताल में जाइए, आपके पास एक करोड़ है तो वेदांता में जाइए, ठीक है। तो दोनों सिस्टम है यहाँ पे, आपके पास पैसा है तो प्राइवेट सेक्टर का आनंद लीजिए, पैसा नहीं है तो एयर इंडिया में उड़िए, हर चीज है यहाँ पे, पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, राजधानी भी चल रही है, गरीब रथ भी चल रही है, एसी का मजा लेना है तो सस्ते में भी और बाकी अच्छे में भी। तो भारत में क्या है ना कि चीजों को ऐसा डेवलप किया गया ताकि गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा काम कर सके। शुरुआती देखो 1991 से पहले तो भारत सरकार ज्यादातर जितने भी सेक्टर थे सब अपने पास ही रखे हुए थे, अपने जेब में भर ली, सारे नहीं देंगे, जितने महत्वपूर्ण होंगे सब जेब में भरे रहते थे, वित्त मंत्री घूम रहे होते थे, बड़े बड़े सेक्टर हम करेंगे बड़ा गुरूर था। लेकिन 1991 में इकोनॉमी चौपट हो गई, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, है ना, भुगतान संतुलन, 7 दिनों के लिए भी पैसा नहीं बचा कि पेट्रोल खरीद लें, कुछ कर लें। पेट्रोल देश की अर्थव्यवस्था का रक्त होता है, ब्लड, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है ना, वैसे भारत और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो एक मिनट के लिए पूरे विश्व से पेट्रोल खत्म हो जाए, थाइनोस आए, पेट्रोल ले जाए, तो पेट्रोल जाने के बाद आप खुद सोचो क्या होगा, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड में, है ना, जो सामान आपने मंगाया था वहीं फंस गया, अमेजोन का आ ही नहीं रहा, कहाँ भैया गाड़ी चल नहीं रही। तो अर्थव्यवस्था का ब्लड है, जो अर्थव्यवस्था भाग रही है ना पटरियों में, ये पेट्रोल के कारण भाग रही है। तो 1991 में ये कंडीशन आ गई कि ऊर्जा के संसाधन खत्म, भारत में पैसा ही नहीं था कि हम खरीद पाए। गल्फ वॉर चालू हो गया, अमेरिका ने नाटो देशों के साथ ईरान पे आक्रमण कर दिया, इराक पे, इराक से पेट्रोल जो ज्यादा स्तर पे आता था वो बंद हो गया, मलेशिया के पास अब देखो प्रतिबंध लग गया इराक के ऊपर, या गल्फ वाले कंट्री आसपास देशों में उत्पादन बंद हो गया। तो पेट्रोल की कीमत घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्यों? उत्पादन कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई, तो उस चीज की कीमत और बढ़ गई, तो जो पैसा था वो भी रहे। उस समय के पाकिस्तान थे हम, ठीक है, जो आज पाकिस्तान की स्थिति है। बड़ा मुझे खुशी हुई कल इमरान खान साहब गए, वो भी कॉमर्शियल जहाज पे, है ना, सबके साथ बैठ के गए, प्राइवेट जेट तक ले जाने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के पास, इस ये कंडीशन हो गई इकोनॉमिक स्तर पे, ठीक है, कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका जा सके मीटिंग करने के लिए, और अमेरिका में कोई लिवाने भी नहीं आया, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं पे हमारे देश की भी ये कंडीशन हो गई 1991 में, और तब जा करके हमने क्या किया कि पूरे सिस्टम को चेंज किया, जो सारा कुछ वित्त मंत्री जेब में भरे बैठे थे, आइए भाई हमने कहा पहले अपनी जेब निकालो, जेब में क्या डाले हो, तो पता चला कि यहाँ तो सब कुछ लाइसेंस में मिलता है, हर चीज़ पर लाइसेंस, इंस्पेक्टर राज, यहाँ पे व्यापार करना मुश्किल है। तो IMF ने जेब थथोल ली और बोला पूरी जेब बाहर करनी पड़ेगी, और 3 तरीके की पॉलिसी लेकर आए, है ना, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 पॉलिसी आई थी, और भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था जो ज़्यादा थी। अब देखो मैं एक बहुत आसान भाषा बताता हूँ, ये मेरे हाथ हैं, एक तरफ समाजवादी रखा है, एक तरफ पूंजीवादी रखा है, ना तो कोई देश आज के समय में समाजवादी है ना कोई पूंजीवादी है, किसी का पटला पूंजीवादी की तरफ उठा है, जैसे अमेरिका वहां भी समाजवादी है, ऐसा नहीं ओबामा केयर वहां भी है, किसी का पटला समाजवादी करूँ वहां भी पूंजी, चाइना कहे कि मैं पूरा समाजवादी, कहाँ भैया दुनिया भर का ये वीवो ओप्पो बेच रहे हो, ये कंपनियां कहाँ की हैं तुम्हारी, भारत चाइना सरकार की हैं, सब प्राइवेट सेक्टर, अलीबाबा कौन है, वो नहीं है ना किसी जिनपिंग अलीबाबा हैं, वो तो अलग पर्सनल है जो अपना अपना चला रहे हैं बिजनेस। तो आज के टाइम पे हर देश या तो पूंजीवादी की तरफ झुका हुआ है तो उसको बोलते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां भी समाजवादी, या तो वहां पे समाजवादी है ज्यादा, भारत में यानी सब मिश्रित हो चुके हैं मोटा मोटी, बस ये है कि उनका जो कांटा है ना वो किधर झुका हुआ है, इधर,
पूंजीवादी की तरफ, तो कहते हैं पूंजीवादी देश है। अब रूस है पूरी की पूरी तरह से वो पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ चुका है, उद्योगों पे आ चुका है। लेनिन की पुरानी नीति कि एक दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना होता है, तो सारी चीजें आज आज यही है। ना कोई देश ये क्लेम कर सकता कि मैं पूरी तरीके से समाजवादी हूँ, ना कोई देश ये क्लेम कर सकता कि मैं पूरी तरीके से पूंजीवादी हूँ। सब जगह समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, बस पडला की बात है कि किसका पडला किधर झुका है। कहीं पे पूंजीवादी ज्यादा है, कहीं पे समाजवादी, लेकिन सेक्टर दोनों एक्टिव हैं। गवर्नमेंट भी काम कर रही है और ये भी काम कर रही है, ठीक है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के तत्व निहित होते हैं, उपस्थित होते हैं। स्वामित्व निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर होता है, ठीक है। स्वामित्व जो है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा राष्ट्रीयकरण का लेकिन भय रहता है, सरकार जब चूंकि दोनों व्यवस्था है, ऑफिशियली घोषित नहीं है ना कि केवल पूंजीवादी राष्ट्र है। यदि पूंजीवादी राष्ट्र घोषित होगा तो वो प्राइवेट नहीं, राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दोनों मिक्स है, तो सरकार जब चाहे, सरकार का जब मन किया राष्ट्रीय संपत्ति घोषित, ये संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित, जैसे बैंकों का किया गया और वो बहुत सारी संस्थाएं। तो राष्ट्रीयकरण का यहाँ भय बना रहता है। अकुशलता और भ्रष्टाचार यहाँ बहुत बड़े स्तर का होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आप देख ही सकते हैं। आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी तीनों प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ। अब मुझे बताओ तीनों समझ में आई कि नहीं आई? पूंजीवादी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर समाजवादी, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के बनता है आपका मिश्र, ठीक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एडम स्मिथ का नाम याद रखिएगा, लेसेस्पियर का सिद्धांत याद रखिएगा। इसके कारण पूंजीवादी पैदा हुआ। एक जॉन मिकार्ड कीन्स थे, उनके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का वो दिया गया कॉन्सेप्ट, और नेहरू के द्वारा, ठीक है, भारत अपना ही कुछ लेकर आता है जैसे कि नैम। तो ये जो है तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की प्रणालियां हो गई। कोई देश या तो पूंजीवादी की तरफ झुका है, या तो कोई समाजवादी की तरफ, या तो कोई मिश्रित की तरफ, दोनों में मिक्स है, ठीक। भारत कैसा है? मिश्रित अर्थ। तो ये हो गई आर्थिक प्रणालियां। अभी तक क्या समझा दिया मैंने आपको? मैंने आपको ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बता दिया, मैंने आपको ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था बता दिया, मैंने उनकी रचनात्मक और विनाशात्मक भूमिका बता दिया, मैंने आपको उनकी पॉलिसी में लैंड टेन्योर सिस्टम यानी कि जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय और आर्थिक प्रणालियाँ, इतनी विषय वस्तु पर हमारी चर्चा हो गई। ठीक ठाक हो ना? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, दिमाग शांत होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी बाद में, ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगी। इजारेदारी अलग चीज़ है, इनके नाम है सारी चीज़ों के, इनके दूसरे नाम है। मैंने ये बताया कि इस्तमरारी, मालगुजारी और बीसबेदारी, ये जमींदारी के नाम है, इजारेदारी दूसरी है, ठीक है, बताऊंगा मैं उसके बारे में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पहुँचते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। एक बड़ा टॉपिक है, आमतौर पर इसको समझने बहुत आसान है, कुछ है नहीं नेशनल इनकम में। अब राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी है। राष्ट्रीय आय समझाऊंगा, राष्ट्रीय आय के बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मुझे समझाना है, जिसका नाम है मौद्रिक नीति। सबसे ज़्यादा दिमाग इसमें खोल के रखना है अपना, पूरा खुला, ढक्कन पूरा खोल लेना है, जो थोड़ा सा भी ढक्कन ढीला है ना उसे पूरा खोल के रख लेना है ना। तो अब पहले राष्ट्रीय आय समझो, फिर मैं इस पर आऊँगा। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय को समझने के लिए पहले हमें GDP, NDP, GNP और NNP, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये चार अवधारणाओं से गुजरना पड़ेगा। चार अवधारणा यदि हम समझ पाए तो हम बहुत आसानी से राष्ट्रीय आय समझ पाएंगे। पहली अवधारणा है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है GDP, ठीक है, सबसे पहली चीज़ GDP क्या है। GDP क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी देश, यानी कोई स्थान भी होना चाहिए पर्टिकुलर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, हर देश का वित्तीय वर्ष अलग अलग हो सकता है, भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है फाइनेंशियल, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर, उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग GDP कहलाता है। फिर समझिए, किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में, यानी किसी अर्थव्यवस्था के अंदर पर्टिकुलर एक क्षेत्र निर्धारित होना आवश्यक है,
ठीक है, तभी आप जीडीपी निकाल पाएंगे उस क्षेत्र की घरेलू सीमा के अंदर। अब घरेलू सीमा में समुद्री सीमा भी आती है, हमारी वायु सीमा भी आती है, सब पूरी डिफिनीशन है कि इतने किलोमीटर तक की बाउंड्री घरेलू सीमा के अंदर मानी जाएगी। या विदेशों में जो हमारे एम्बेसीज हैं, राजदूत बने हुए हैं, उनके अंदर जो आर्थिक गतिविधि होती है वो भी घरेलू सीमा होती है। या फिर भारत में जो अन्य देशों की एम्बेसीज खुली हुई हैं, जैसे भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, वो भारत के लैंड नहीं है, उस पर कब्जा, उस पर जो आर्थिक गतिविधि होगी, जो कुछ भी होगा, उस कंट्री का होगा। तो घरेलू सीमा की एक अलग परिभाषा है, किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से घरेलू सीमा क्या होती है। तो वो बाद में बताऊंगा, वियना कन्वेंशन। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे खरीदना होता है, ऐसे तो पूरा देश खरीद ले जाए अमेरिका। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि जीडीपी जो है आपका, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल का योग है। समझ में आया मेरी बात? नहीं समझ में आया? अंतिम वस्तु, अब ये सब बताता हूँ, अंतिम क्या है, सब कुछ क्या है जीडीपी में। अब देखो क्या है जीडीपी, अब घरेलू सीमा के अंदर ऐसा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ देश के नागरिक रहेंगे, ठीक, विदेशी भी रह रहे होंगे, बहुत सारे विदेशी कंपनियां, वोडाफोन भी है अंदर घरेलू सीमा के अंदर। लेकिन घरेलू सीमा के अंदर कोई भी आके काम करे, कोई भी आके काम करे, ठीक है, हमारे घर के अंदर आके कुछ भी आर्थिक गतिविधि हो रही है, तो वो किस में जोड़ा जाएगा, जीडीपी। यानी कि विदेशियों के द्वारा, भारत में रहने वाले विदेशियों के द्वारा भी सारे जितने, तो ये है सकल घरेलू, घर के अंदर जो भी होगा लेन देन काम होगा, जो भी खर्चा सर्विस और उद्योग का, वो आपका जीडीपी में जोड़ा जाएगा, चाहे भारतीय करें चाहे विदेशी करें, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर। ये हो गया जीडीपी। अब देखो ऐसा नहीं होता कि जीडीपी में भाई आप हर साल प्रोडक्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि प्रोडक्शन से सिर्फ आपको प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा भी हो रहा होगा कि मशीनें भी टूट फूट होती होगी, बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती हैं, डिप्रिसिएशन आता है, ह्रास दर होती है ना, तो उसको माइनस कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, लागत आई ना वो, भाई मान लो आप जो है कुछ भी हो, गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद मान लीजिए आप लोग कहीं गाड़ी बुक करके जाते हैं साथ में, और गाड़ी बुक करके जाने के बाद गाड़ी के बहुत सारे खर्चे हैं, सिर्फ पेट्रोल एक खर्चा नहीं है, पार्किंग में खड़ी करोगे उसका खर्चा अलग होगा, मान लो गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है, उसका टायर बदलाओगे उसका अलग होगा, जबकि गाड़ी पंचर अवस्था में गई नहीं थी लेकिन पंचर हो गई, यानी उसमें कुछ टूट फूट हो गई, डिप्रिसिएशन हो गया, है ना, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन ही, उस पर तो खर्चा आ गया उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो उसको घटा दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, जितना भी हर साल में जीडीपी जनरेट करने में जो डिप्रिसिएशन आता है, जो टूट फूट आती है, जो ह्रास दर आती है, जो घिसावट आती है, उसको माइनस करने से एनडीपी निकल आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक वर्ष में घिसावट या टूट फूट के मौद्रिक मूल को घटा दिया जाता है, एनडीपी मिल जाता है। जीडीपी समझ में आया, एक साल के अंदर घरेलू सीमा के अंदर होने वाली आर्थिक गतिविधि जीडीपी के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, और उसमें घिसावट घटा के एनडीपी निकल आया, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक। अब बात आती है अगला प्रोडक्ट है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें लिखा था सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे लिखा राष्ट्रीय उत्पाद, यानी यहाँ पे नेशन से कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का सिर्फ आसान भाषा में ये है कि किसी भी एक वर्ष में, वही है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, यहाँ पे बात गड़बड़ा गई, वहां पे था कि घरेलू सीमा के अंदर कोई भी रहे, नागरिक रहे, विदेशी रहे, कोई भी रहे, ठीक है, यहां पे बात आ गई कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल जीएनपी कहलाता है। अब नागरिक का मतलब क्या है, नागरिक यदि अमेरिका में रह के भी गतिविधि कर रहा है ना, तो वो भी नागरिक ही होता है। यानी कि भारत के बाहर रह रहे विदेशी जितने भी हैं, भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनकी इनकम इसमें जुड़ जाती है, और भारत में जो विदेशी लोग रह रहे हैं अदर देश के, उनकी माइनस हो जाती है। सिर्फ नागरिक, नागरिक में विदेशी नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो भारत के नागरिकों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन एक वित्तीय वर्ष में अपने देश किया जाता है, वो आपका आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले वाला घरेलू था, घरेलू में घर के अंदर गतिविधि हो रही है, जैसे मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाऊँ, आसान भाषा में ज़्यादा मजा आएगा। आपका घर है, घर है, घर की चार दीवारी के अंदर जो भी गतिविधियाँ हों, मान लो चाचा का लड़का आया, उसने कहा भाई 500 रुपये चाहिए, आपने 500 दिए,
ठीक है, तो एक आर्थिक ट्रांजेक्शन हुआ आपका, उससे आपने लोन में दिए जो कुछ भी किए, या फिर उससे कोई चीज़ आपने खरीद ली, कुछ भी किया, खरीद ली, कुछ बेच दी उसको, तो वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका भाई है वो बाहर रहता है किसी दूसरे गांव में, वहां पे कोई प्रोडक्शन करता है, तो वो आपके जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपके जीएनपी में जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि घर के, आप यहाँ पे सीधा सिंपल आसान भाषा में, देश के नागरिकों के द्वारा जो भी किया जाए प्रोडक्शन, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, सब जीएनपी में आएगा, सिंपल और आसान भाषा में। ठीक, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कोई। तो देश के अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। ठीक है, देश के बाहर रहने वाले नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है और देश के अंदर रहने वाले विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है। ठीक, बाहर रहने वाले नागरिकों को जोड़ दीजिए और अंदर रहने वाले विदेशियों को घटा दीजिए, ये आपकी राष्ट्रीय आय निकल गई। अब कुछ नहीं है इसमें, घिसावट घटा दीजिए भाई। जीएनपी प्रोड्यूस करने में बहुत सारी मशीनों की टूट फूट होगी, डिप्रिसिएशन होगा, घिसावट, वही एनएनपी है, नेट नेशनल इनकम निकल आएगी, और नेट नेशनल इनकम को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये है नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ना जीडीपी है, ना एनडीपी है, ना जीएनपी है, एनएनपी है। ठीक है, क्यों है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जीएनपी में एक वर्ष की घिसावट टूट फूट, इसको घटा के एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी में केवल एक देश के ही नागरिकों की आय जुड़ी होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आय है। ठीक है, एक देश के नागरिकों की आय जुड़ी होती है और मूल्यह्रास का मौद्रिक न्यूनतम घटा होता है, अतः राष्ट्रीय आय की सर्वमान्य परिभाषा इसी को बना दिया गया है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, रट लीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में माइनस कर दीजिए घिसावट, निकल के आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और वही है आपका एनएनपी, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक समिति बनी थी राष्ट्रीय आय समिति 1949 में, उसने कहा था कि राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का दोहरी बार न गिए जाए, दो बार गिन के एक ही बार गिन के उसको माप लीजिए, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। सिंपल आसान भाषा में कुछ नहीं है इसमें, जीडीपी में है, घर के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है चाहे कोई भी करके जाए, जीडीपी होगा, एक साल एक वित्तीय वर्ष में एक स्थान में। ठीक है, घरेलू सीमा में उसमें घटा दीजिए घिसावट, वो सब चीज़ें क्या निकल के आया, एनडीपी निकल आया, और जीएनपी में देश के नागरिकों के द्वारा किया जाए। ठीक, और माइनस कर दीजिए वो, बस और क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल और आसान भाषा में। ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय एनएनपी होती है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट ये ख़त्म हुआ। अब अगला आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मैं देखो धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, मैं अचानक से पूरे तुरुप का पत्ता नहीं खोल रहा हूँ, वो आगे आएगा, अभी तो मैं सिर्फ इक्की दुक्की तिक्की मार रहा हूँ। ठीक है, अभी जब मैं पत्ते खोलूँगा, इकोनॉमी अभी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मेरा विचार है कि मैं बिल्कुल बेसिक लेके आपको बिल्कुल मजबूत करा दूँ, दो तीन क्लास में आप बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाओगे। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कोई भी इकोनॉमी तीन प्रकार के क्षेत्रों को में रन करती है, तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग, और तीसरा है सर्विस। तो इनमें क्या क्या होता है ये नहीं पता होता, ये जरूर जान लीजिए। अर्ध प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर मूल रूप से दिमाग में ये बैठाइए कि जो नेचुरल नेचर दे, जो प्रकृति दे, जो प्रकृति से मिले, वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आसान भाषा में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, खेती मैं तो नहीं पैदा कर सकता, वो प्रकृति की देन है, मैंने बस काम किया, उसमें बीज डाला, खाद डाला, ये सब डाला, प्रकृति ने पैदा कर दिया। ठीक है, वो फैक्ट्री में गेहूँ नहीं बना सकता, गेहूँ जमीन से ही निकलेगा, नेचर ही देगी। तो कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या प्राकृतिक संसाधन पर कोई सेक्टर डेवलप निर्भर रहे, मछलियों का उत्पादन मैं फैक्ट्री में नहीं कर सकता, वो नेचुरल चीज़ है ना, पौधों को मैं फैक्ट्री में नहीं उत्पन्न कर सकता, वो भी नेचुरल चीज़ है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है प्राकृतिक से प्राथमिक सेक्टर के अंदर, कृषि, वानिकी तथा मत्स्यिकी, इतनी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया है। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि, कोई भी गतिविधि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, वानिकी से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि इसके अंतर्गत आता है, और मत्स्यिकी, ये आपका प्राइमरी, ये तीनों याद रखिएगा, कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी। दूसरा द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है,
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाए। समझिए बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। ये जो प्राथमिक सेक्टर था, इसमें जो भी पैदा हुआ उसी का उपयोग करते हुए यहाँ पे कुछ बनाया जाना, इसे द्वितीयक उद्योग कहते हैं। प्राथमिक उद्योग क्या है? जो प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति से मिल रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी रखते हैं। द्वितीयक क्या है? जो इस पे निर्भर है, जो प्राथमिक पे निर्भर है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह क्या कहलाता है? आपका द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ सम्मिलित हैं? पहला है खनन, दूसरा है उत्खनन, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सारी गतिविधियाँ द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनको रटना पड़ेगा आपको, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, रट लीजिए इसको, ये आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं। अब जैसे इसका मटेरियल है, प्राकृतिक क्षेत्र का है, ये प्राकृतिक प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर है, इसका जितना मटेरियल है यदि मुझे किसी कारखाने तक पहुंचाना है तो कुछ सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे मुझे परिवहन का लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह जाएगा। तो तृतीयक क्षेत्र कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवाएँ हैं और कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे व्यापार, जैसे होटल, जैसे परिवहन, जैसे संचार, जैसे वित्त, जैसे बीमा, जैसे रियल इस्टेट, जैसे व्यापारिक सेवाएं, जैसे सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे ये भी टीचिंग भी जो मैं कर रहा हूँ, सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। सारी सेवाएं, वो सारी सेवाएं, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। सर्विस सेक्टर में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, बस। तो ये अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में यही तीन क्षेत्रक ही पढ़ने हैं आपको। या तो आप प्राइमरी सेक्टर के बारे में अभी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, या तो आप टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यही है, इतना ही सिलेबस है आपका, और क्या है? कुछ नहीं है। इन्हीं के बारे में, इन्हीं में क्या कानून है, इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, अभी तक क्या काम हुआ, अभी तक क्या काम नहीं हुआ, यही तो पढ़ना, और कुछ है ही नहीं, सिंपल और शांत। तो ये आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। ठीक, अब अगला है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुद्रा स्फीति। ठीक है, तो मुद्रा स्फीति मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, सारी चीज़ें समझाते हुए आज की जगह इस टॉपिक को हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए दिमाग में क्या हालचाल है, अभी तक पढ़ा क्या हमने? पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश काल से पहले की इकोनॉमी कैसी थी हमारी। ठीक है, ब्रिटिश काल में कैसी इकोनॉमी थी, ब्रिटिश काल की इकोनॉमी, ब्रिटिश काल के बाद कैसी इकोनॉमी थी, और भारत की फिर अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक का पढ़ रहे हैं, कुछ भी एडवांस नहीं है, एडवांस यहाँ से चालू होगा। ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी मास्टर वीडियो के माध्यम से आप एक दो दिन में पूरा पढ़ जाओगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो सकती है। अर्थव्यवस्था को समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सब में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल फ्रेशली पढ़ाऊँ इसको। तो ये टॉपिक को आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, आज यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो